ये मेरी कई साथियों से, अजीत यादव भाई से, मानसी बहन से और कई लोगों से बात चल रही थी कि समय समय पे हम लोग लोक राजनीति मंच का प्रयोग करते रहे हैं 2004 से। कभी ज्यादा सक्रिय रूप में, कभी वो निष्क्रिय हो जाता है। तो ये मंच की स्थापना क्यों हुई थी आपको बता दूं, 2004 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी नई दिल्ली में, और ऐसा खतरा दिख रहा था कि वो सरकार दोबारा आ जाएगी। आपको मालूम है उस समय इंडिया शाइनिंग का कैंपेन चल रहा था। तो ये तय हुआ कि जो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की आर्थिक नीति है उसके खिलाफ और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ देश भर में जो लोग भी राजनीतिक विकल्प देने के लिए आना चाहें वो साथ में आए। तो कुलदीप नैयर साहब की पहल थी और उन्होंने, चूंकि कांग्रेस विपक्षी दल था मुख्य उस समय, कुलदीप नैयर साहब ने कांग्रेस से बात करके ये भी कोशिश की कि देश भर के जो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिसमें मेधा पाटकर जी, अरुणा रॉय जी, ऐसे 11 लोगों का नाम उन्होंने तय किया और कांग्रेस से कहा कि भाई आप ये जो लोग हैं ये खड़ा होना चाहते हैं जगह जगह से चुनाव में, तो आप इनका समर्थन कीजिए, आप वहां पे अपना कैंडिडेट मत दीजिए। चलिए राजीव भाई आ गए। तो राजीव, आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर, शुक्रिया। चलिए, तो 11 लोगों का नाम दिया था वो, लेकिन कांग्रेस को वो मंजूर नहीं था। कांग्रेस ने कहा कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो हमारे टिकट पे लड़े, मतलब हमारे सिंबल पे लड़े, लेकिन वो हम लोगों को मंजूर नहीं था इसलिए वो हुआ नहीं। हालांकि वो 11 लोगों में से एक हमारे साथी अली अनवर को नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा भेजा। तो अली अनवर साहब जो पसमंदा मुस्लिम महाज नाम का संगठन चलाते थे, नीतीश कुमार के समर्थन से वो राज्यसभा पहुंचे थे। तो ये कोशिश हुई थी कि कुछ जो इस देश में जो जनपक्षीय राजनीति की एक सोच रखने वाले लोग हैं, जो जमीनी स्तर पे सक्रिय हैं, ऐसे लोगों को लाके एक राजनीतिक विकल्प खड़ा किया जाए। तो वो पहली कोशिश थी 2004 में। उसके बाद समय समय पे कोशिशें होती रहीं। जब आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन ही चल रहा था उस समय, ये मंच फिर सक्रिय हुआ और योगेंद्र यादव इसमें उस समय शामिल हुए। अजीत झा जी तो पहले से ही थे और हम लोग इसको चला रहे थे, लेकिन गुड़गांव में एक मीटिंग हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण भी आए, और उसके बाद ज्यादातर साथी जो लोक राजनीति मंच के साथ जुड़े थे वो योगेंद्र यादव के नेतृत्व में वो आम आदमी पार्टी में सीधे शामिल हो गए। और मुझे भी निमंत्रण मिला था योगेंद्र भाई की तरफ से कि आप भी आइए। तो मेरा उस समय यही जवाब था कि आम आदमी पार्टी की राजनीति जो खड़ी हुई है वो भ्रष्टाचार के विरोध में है, और वो मानती है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति का, और हमारे जैसे लोग मानते हैं कि राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा भारत में गैर बराबरी है। तो हमने योगेंद्र भाई को कहा कि देखिए, मैं दो वजहों से आम आदमी पार्टी में नहीं आ सकता। एक तो हम लोग गैर बराबरी के मुद्दे पे काम करते हैं और मानते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और दूसरा ये कि जो हमारे लोकतंत्र की एक और बड़ी खामी है वो है कि लोग पार्टियां बदल लेते हैं जब भी उनको कहीं बेहतर अवसर दिखाई पड़ता है। तो ये जो एक किस्म का अवसरवाद है, हम लोग इसको नकारते हैं, और हमारा मानना है कि अगर आप एक विचारधारा, आप एक दल से जुड़े हैं तो आपको उसी के साथ जुड़ के उसी विचारधारा को मजबूत करना चाहिए। तो इस तरह से फिर वहां से वो लोग चले गए उसमें, और हम लोग कुछ लोग बचे। चूंकि मैं सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूं और ये मंच ने शुरू से ही निर्णय लिया था कि इसमें राजनीतिक दल भी शामिल हो सकते हैं,
छोटे राजनीतिक दल, बड़े राजनीतिक दल तो आएंगे नहीं, वो तो अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं ज्यादातर, और जो चुनावी राजनीति में शामिल नहीं है जो जन संगठन, बहुत सारे जन संगठन हैं जो राजनीतिक मुद्दों को उठाते हैं लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो ऐसे संगठन भी शामिल हो सकते हैं इस मंच में। और इसके अलावा कोई व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहे, वो किसी दल का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, हमारे खजूरिया साहब भी शामिल हो गए हैं जम्मू से, आपका बहुत बहुत स्वागत है खजूरिया जी। खजूरिया जी एक इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, थी पहले जम्मू कश्मीर में, उसके संस्थापक वहीं रहते थे आरपी सराफ साहब, अब तो वो जीवित नहीं है। तो खजूरिया जी भी लोक राजनीति मंच में सक्रिय रहे हैं, और मुझे याद है कि लखनऊ की एक बैठक में आए थे वो, जो यहाँ बुलाई गई थी, तो उनकी भी हमेशा, बल्कि वो भी एक सज्जन है जो जो बार बार ये कहते रहते हैं कि भाई कुछ करना चाहिए, हम लोगों को कुछ नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करना चाहिए। तो इसलिए खजूरिया जी को भी मैंने कहा कि आप भी आज की मीटिंग में आइए, अभी वो सीमा से लौट के आ रहे हैं, भारत पाकिस्तान सीमा से, और बता रहे हैं कि वहाँ इस समय गोलीबारी हो रही है। तो कश्मीर के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जम्मू वाले इलाके में भी सीमा पे लगातार गोलियां चलती रहती हैं, तो वहाँ के लोगों की त्रासदी के बारे में वो बताते रहते हैं। तो मैंने कहा कि आप भी पहुँच के समय से इसमें शामिल होइए, तो बहुत खुशी की बात है कि खजूरिया जी भी आ गए। तो ये इसकी पृष्ठभूमि है, बहुत सीधा साधा एक प्रस्ताव है कि जो नव साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियां हैं, नव उदारवादी जो आर्थिक नीतियां हैं, जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं साफ साफ, और जनता के संसाधनों पे कंपनियों को कब्जा करने की खुली छूट दे रखी गई है एक तरीके से, और दूसरी तरफ जो सांप्रदायिक फासीवादी राजनीति है, जो एक विचारधारा को जनता के ऊपर थोपना चाहती है और इस देश से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लोगों के जितने संवैधानिक अधिकार हैं उनको खत्म करना चाहती है, और एक नफरत की राजनीति मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ, वो 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 सिर्फ एक ही के खिलाफ नहीं होता है, वो फिर जितने हाशिए पे तबके हैं, चाहे महिलाएं हों, आदिवासी हों, फिर वो सभी के खिलाफ हो जाता है। तो इस किस्म की जो राजनीति हो रही है, इसका एक विकल्प खड़ा किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि इस पर साथी एक एक करके राय रखें, और अगर कोई ठोस सुझाव हो इस मंच को आगे बढ़ा कैसे बढ़ाया जाए, तो उस बारे में भी अपनी बात रखें। तो मैं पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ साथियों में, सबसे वरिष्ठ हम लोगों में प्रफुल्ल सामंतरा है उड़ीसा से, बहुत वरिष्ठ साथी हैं, और उड़ीसा के अंदर जो जो भी आंदोलन होता है, चाहे वो नियमगिरी में आदिवासियों का हो, पॉस्को कंपनी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ उसमें शामिल रहे, और इस वजह से आपको जो पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, वो भी मिला। प्रफुल्ल भाई आप अपनी बात रखिए। संदीप जी और साथियों, मैं सभी को स्वागत करता हूं और धन्यवाद दे रहा हूं कि आज फिर लोक राजनीति को कैसे चलाएंगे, किस तरह हम सोचेंगे इसके बारे में संदीप जी एक शुरुआत फिर किए हैं। 2004 में जो जयपुर में उसकी स्थापना हुई थी, उसमें भी मैं मौजूद था और हिस्सा लिया था, और उसके साथ साथ 2004 में जो चुनाव भी हुआ हमारे उड़ीसा में, हम लोक राजनीति के नाम पर हम मैनिफेस्टो भी बनाया और एक कैंपेन भी किया था इलेक्शन में, कैसे विकल्प की राजनीति होनी जरूरी है, उसके पहले उसके एक हम भी एक मैनिफेस्टो भी लोक राजनीति के नाम पर हम एक बुकलेट भी किए थे सभी लोगों को लेकर, ऐसा था उस समय। ये भी सही है
कि हम जो लोग आज मिलते हैं, मिले हैं भी, हम उदारवादी अर्थनीति को तो प्रतिरोध करते हैं, उसके साथ साथ तो अभी जो नई राजनीति की जरूरत है अभी तक तो नहीं हो पाए, क्या हम जो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के खिलाफ, ग्लोबलाइजेशन विश्वीकरण के खिलाफ और नवोदारवादी अर्थनीति के खिलाफ जब हम 90 दशक से 19वीं शताब्दी का 90 दशक से हम लड़ते रहते हैं, मगर हर समय हमारे लिए एक चुनौती भी है, एक कैसे उसको लेकर, इसको जो विरोध को लेकर जब हम विकल्प विकास के की सोच भी करते हैं, तो उसके लिए तो एक नई राजनीति की जरूरत है। और अगर बिना शिवा राजनीति के विचार में कोई तो कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है, तो ये बुनियाद सवाल को लेकर हम लोक राजनीति बनाए थे, नायर जी और बहुत लोग हमको दिशा दिखाए थे उस समय, सभी का इच्छा थी उस समय, ये तो बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए कोई विकल्प राजनीति की जरूरत भी है, मगर उसके साथ साथ हम जानते थे कि कांग्रेस फ्रंटलाइन में, कांग्रेस अल्टरनेटिव पार्टी है चुनाव के लिए, मगर उसके बाद भी जो चला कांग्रेस भी आई, मगर कांग्रेस की नीति में जो परिवर्तन नहीं हुआ, फिर जो नई आर्थिक नीति को लेकर फिर कांग्रेस आया, और उसका नतीजा क्या हुआ 10 साल के बाद, तो मोदी, ये जो मोदी का जो नतीजा है, वो नतीजा कांग्रेस के उस समय में जो ज्यादा से ज्यादा जब नवोदारवादी अर्थनीति को इतना प्रसारित किया गया, इतना इतना किया गया, और उसके साथ जुड़ा हुआ है जो सवाल, जब आदिवासी की लड़ाई हुई, जमीन की लड़ाई हुई, अधिकार के लिए लड़ाई हुई, बड़ा डेम और जो विकास की प्रक्रिया को लेकर जब हर जगह लड़ाई होती रहती है, तो उस समय भी कांग्रेस की नीति तो था दमन की नीति, तो ये सबको लेकर फिर आ गया करप्शन, उसको फायदा लिया जो आम आदमी पार्टी ने लिया, उन्होंने फायदा लिया ये, मगर हमको मानना है कि अगर इसीलिए कि विकल्प की राजनीति तो नहीं मिला, और विकल्प राजनीति नहीं हम बना नहीं पाए, इसलिए उनका फायदा आम आदमी पार्टी का। उस समय संदीप जो बताए थे आपको, आप जानते हैं कि जो गुरुवा में जो मीटिंग हुई, जब हमारा जोगेंद्र यादव जी बुलाए थे, हम लोग थे, मैं था उस समय हमारे दोस्त, पुराना दोस्त, आदमी दोस्त आनंद कुमार भी थे, आए थे हमको बात करने के लिए, प्रसाद जी आए थे और ये अरविंद आए थे। उस दिन भी मेरा सवाल था अरविंद को, और तीनों तो बैठे थे, अरविंद था कि आपकी जो सोशल जस्टिस का क्या उसमें क्या आइडियोलॉजी क्या है, आर्थिक आइडियोलॉजी क्या है, तो उस दिन वो बता दिया अरविंद ने कि हम प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को विरोध नहीं करते हैं, हमें क्रोनी कैपिटलिज्म को विरोध करते हैं, तो खत्म हो गया। तो ये तो सबसे बड़े डेंजरस है कोई उसके बाद सोशल जस्टिस के बारे में हम अभी तक कुछ नहीं सोचा है, हम तय नहीं किया है। तो फिर उसके बाद प्रसाद जी, मुझे लेकर प्रसाद जी के साथ हमारा तो ये रिलेशन जो संपर्क तो इंजीनियरिंग आंदोलन से लेकर एनएपीएम के साथ उनका जो रिश्ता है, उनका जो अवदान है, तो प्रसाद जी हमको भी कहे अब आप फाउंडिंग मेंबर हो जाए, फॉर्म हमको दिए, मैंने बोला उस दिन प्रसाद जी मैं चाहता हूँ एक विकल्प राजनीति और राजनीति की पार्टी भी जरूरत है, मगर ऐसा पार्टी में मैं जाऊंगा अभी जो पार्टी से फिर मैं लौटना है, मैं वापस मेरे एटलीस्ट आई शुड नॉट रिटर्न बैक, सो दिस पार्टी, अगर इस पार्टी को आप लोग इस तरह ले जाएंगे तो फिर मैं जाऊंगा, मगर मुझे लगता है कि जो अरविंद की जो लीडरशिप, उनके जो सोच, उनको लेकर पार्टी इतना, हम जैसे लोग एक विकल्प राजनीति को लेकर वो पार्टी में ज्वाइन करेंगे, मुझे लगता रहेगा। अगर हो गया सच 2 साल के बाद, देखे प्रशांत भूषण जी, आनंद कुमार जी को निकालना पड़ा, उसको निकाल दिया गया, तो ये सच है, ये तो है। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज की जो अभी जो स्थिति है देश में, ये तो कोई कुछ भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद भी नहीं है, अभी देश अभी का फासिस्ट शक्ति के चंगुल में है,
अभी देश की राजनीति फासिस्ट राजनीति के चंगुल में है और फासिस्ट राजनीति लीड करती है, उससे कैसे हम उस राजनीति को, हमारी राजनीति को, रिपब्लिक को, राष्ट्र को किसी तरह हम बचाएंगे, ये भी सबसे बड़ा, उसके लिए भी राजनीति की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए लास्ट ये जो एक साल हो गया अभी कश्मीर के बाद, कश्मीर को जैसे ध्वस्त ध्वस्त कर दिया खत्म करके, और फेडरलिज्म को और संविधान को, ये दोनों को, संविधान को और संविधान हुए था फेडरलिज्म को, उसके बाद अभी कोई भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, कांग्रेस से लेकर हर जो पार्टी है मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, विशेष करके लेफ्ट पार्टी को छोड़कर, तो विभिन्न लोकप्रिय पार्टी में जो बुनियाद सवाल है भी कश्मीर के, कश्मीर ऐतिहासिक तथ्य है, कोई भी सवाल नहीं करता है कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं बोलते हैं, कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं, कश्मीर की जनता क्या चाहती है, कश्मीरी जनता का हक क्या है, ये ऐतिहासिक तथ्य। और उसके बाद जो जरूरत हो एक डेमोक्रेसी के नाते, एक पीपल्स पॉलिटिक्स के नाते क्या जरूरत है वो कोई नहीं बोलते हैं। और कांग्रेस के अंदर में, दूसरे अंदर में भी कश्मीरी को लेकर जो फैसला जो जबरदस्त विध्वस्त हुआ और मोदी के नेतृत्व में, उसको भी उनको कुछ समर्थन है, क्योंकि उनकी राजनीति असल में जो सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो धर्मनिरपेक्षता का मूल भूत है, जो मूल है, उसको कोई नहीं छूता है। तो इसीलिए वो राजनीति भी किसी ना किसी तरह जो सॉफ्ट हिंदू के नाते चलती रहती है, उसका नतीजा हम हमको भुगतते रहते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोग, हम लोग, सब लोग, हमको सोचना जरूरी है, जबरदस्त सोचना जरूरी है। ये मुझे लगता है कि ये कर्तव्य है कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर जो अभी जो राजनीति चलती है, और हिंदू राष्ट्र बना लिया है, हम तो बोलेंगे बना लिया है क्या है? अभी मुझे लगता है कि 2024 तो क्या होगा नहीं होगा, ये सवाल है। तो मुझे लगता है हमको इसी तरह एक वैकल्पिक राजनीति की जरूरत है, जो हम चाहते हैं कि लोक राजनीति, वो लोक राजनीति किसी तरह एक राष्ट्रवाद से, फासीवाद से, और लोक को लेकर कैसे एक विकल्प राजनीति हम चला सकेंगे, लोगों को ले आ पाएंगे और दूसरे लोग शक्ति को मिला पाएंगे। मुझे लगता है उसके बारे में हमको सोचना है और आगे बढ़ना है। संदीप जी और दोस्त सब लोगों को कैसे फिर एक इकट्ठा कर हम पाएंगे, मुझे लगता है इसलिए क्योंकि आइडियोलॉजिकली हमको जाना पड़ेगा लोगों के पास। पीपुल्स मूवमेंट भी है, पीपुल्स मूवमेंट के राजनीति, जन आंदोलन की राजनीति है, मगर विकल्प राजनीति नहीं है, तो इसका कैसे हम जोड़ेंगे, ये मेरा आह्वान है। मेरा इस बात को लेकर मैं इसमें खत्म करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल भाई। मैं माफी चाहता हूँ, मैं 2004 से आप लोक राजनीति मंच से जुड़े हुए हैं, इस बात का मैं जिक्र नहीं किया पहले। प्रफुल भाई, जैसा मैंने बताया, बहुत वरिष्ठ साथी हैं और देश भर में जो भी इस तरह की प्रक्रियाएं हुई हैं उसके साथ रहे हैं, चाहे वो लोक राजनीति मंच बनने की प्रक्रिया हो, या जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की, या फिर जो आपने बताया आम आदमी पार्टी भी जब बन रही थी उसमें भी हम बहुत सारे साथी बाहर बाहर से उसमें लगे हुए थे, देख रहे थे कि कैसे उसको मजबूत किया जाए। वो तो एक ऐसा बिंदु आया जब हमको लगा कि उसमें बहुत संभावना नहीं है, तब हम उससे अलग हुए। तो इसी तरह से प्रफुल भाई भी उसमें पूरी तरह शामिल नहीं हुए, लेकिन हम सब लोग संभावनाएं तलाश रहे थे। और अब मैं चाहूँगा कि खजूरिया साहब, जो लोक राजनीति मंच से पहले से जुड़े रहे हैं, खजूरिया साहब जरा अपनी बात रखें और जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति है थोड़ा वो भी बताइए। धन्यवाद धन्यवाद संदीप जी, बाकी सामंता जी और जो भी साथी बैठे होंगे वो सबको मेरी तरफ से नमस्कार। ये संदीप जी आपका, मैं एफर्ट्स आपका जो कदम है ये बहुत ही सराहनीय है कि हम इंडिया में जब कोई अंधेरा ही अंधेरा हो तो कोई एक कैंडल जलाने के लिए कोई ना कोई शुरू हुआ है, और आज जरूरत है कि लोगों की राजनीति को आगे ले जाया जाए। ये तो हमारे सामने अब स्पष्ट हो चुका है, सामने आ चुका है कि पूंजीवाद या कारपोरेट सेक्टर ध्वस्त
तो शब्द हम नहीं कह सकते, लेकिन बदनाम पूरा हुआ है। अब पोस्ट कोविड 19 ने तो ये बता दिया है कि इन्होंने सिर्फ पूरी पूंजी को ऐशपरस्ती के लिए और हथियार बनाने के लिए दो ही इनके निशाने रहे हैं जो इन्होंने पूरे किए हैं, और बाकी जनता का चाहे वो गरीबी का सवाल है, चाहे बेरोजगारी का सवाल है, चाहे इनइक्वालिटी का सवाल है, ना बराबरी का, चाहे पानी का सवाल है, पॉल्यूशन का सवाल है, ये सवाल इन्होंने कोई हल करने की ना कोशिश की और ना ही ये हल होने वाले इन्होंने कोई तरीके निकाले। जहां तक के जो बीमारी आई, वायरस आया, उससे भी ये साबित हो गया कि जो देश है उनके पास हॉस्पिटल ही नहीं है पूरी दुनिया में, चाहे वो इंग्लैंड था, चाहे कोई इटली था, चाहे कोई, इन्होंने कई तरीके से बहाने बनाकर किसी को 55 साल की उम्र से ऊपर है तो उसको दाखिल मत करो, किसी को घर में रखो, किसी को होम, मतलब के दिन टपाने वाली जैसे बात करते हैं ना हम, कि आज का दिन कर लो पूरा, कल देखेंगे क्या होगे। इससे पूरा सिस्टम जो है वो दिखाई दिया कि ये फेल हो चुका है, और दूसरा ये साबित हुआ कि ये लोगों के प्रति था ही नहीं, ये कुछ लोगों के फायदे में था और कुछ लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाया भी, बाकी जनता के जो मसले थे वो इन्होंने ना उठाए थे और ना इनकी सरकारें जो इसकी धुमशल्ला सरकारें थी इस सिस्टम की, उन्होंने काम किया है। तो दूसरा तो एक जो कंसेप्ट हम बड़ा प्रोग्रेसिव समझते थे, हमने उसमें काम भी किया, सहमतियां भी रखी, वो था साम्यवाद या कम्युनिज्म या समाजवाद के बाद उसका निकला, उसको तो 91 के बाद एक झटका जो लगा गर्बाचोव के आने के बाद, वो भी दुनिया में उस तरीके का दोबारा अपना सजरा इकट्ठा नहीं कर पाया कि हम कैसे आगे बढ़े। इसलिए लोगों के सामने आप बहुत गहरा सवाल है कि आबादी हमारी 700 करोड़ से ऊपर है, जो चैलेंज हमें इंसानियत को भी है और कुदरत को भी है, प्रकृति को भी है, जो ये मॉडल रहे, इन्हों मॉडलों ने, दोनों मॉडलों ने एक बात बड़ी साफ रखी कि इन्होंने नेचर को अनलिमिटेड इंतहा तौर पर इसको इस्तेमाल किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया और दौलत को कुछ हाथों में इकट्ठा किया, और ना बराबरी इतनी हो गई कि एक तरफ अगर एक रुपया है तो दूसरी तरफ एक करोड़ है, मतलब आसमान और जमीन का फर्क पड़ गया जो 19वीं या 20वीं सदी में बहुत कम था, जबकि उस वक्त साम्यवाद नहीं था या सामंतवाद था, तो फिर भी लोगों का कुछ रहन सहन या उसका बोलना वगैरह कुछ और तरीके का था। इन्होंने तो मशीन बना दिया इंसान को भी, बच्चों को भी, और एक ही धारणा पर दी, पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन, टकराव और नफरत आगे बढ़ेगी, यही सियासत दलवाएगी, यही पैसा दलवाएगी, मनी माइट और मिलिट्री, ये तीनों चीजें वही शक्ति बनती है, और ये शक्ति लाने के लिए आज सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसा ही काम करेगा। उससे ये साबित होता है कि आज जो चैलेंज आ रहे हैं, चाहे वो चैलेंज आर्म्स की तरफ से है, न्यूक्लियर बम्ब की तरफ से, चाहे वो चैलेंज प्रकृति की तरफ से है, ग्लोबल वार्मिंग का है, क्लाइमेट का है, या एयर पोल्यूशन का है, शॉर्टेज ऑफ वाटर का है, पीने का पानी का, या गरीबी का और बेरोजगारी का है, या आज सेहत का है, हॉस्पिटलों का है, ये चैलेंज इतने खतरनाक है कि इंसानियत की के लिए बड़ी मुश्किल से शायद वो जिंदा भी रह पाए। ये कानून बदलते जा रहे हैं, कोई को डरावे से चला रहे हैं, किसी को डंडे से पावर से चला रहे हैं, कहो कोई कन्विंस करके, कहो कोई लॉजिक से, दलील से, ये कोई जवाब नहीं दे पा रहे इस मुश्किलात का। इसलिए हमें आज एक मेहनत करके क्या जवाब बन सकता है, अभी एक के पास या एक बना बनाया जवाब तो हमें मिलेगा नहीं, तो हमें ये बैठकर बात करके कि हम कौन सा स्लोगन दें, कौन सा जैसे जिससे लोगों को सामने पता चल जाए कि हमारा समाज अब ऐसा बनेगा, वो एक जरूरत है। दूसरा ये है कि दुनिया के पैमाने पर ये आवाज पहुंचने की जरूरत है कि दुनिया आज अंतर्निर्भर है
और अंतर्निर्भर दुनिया में बॉर्डर जो है वो कन्फ्लिक्ट वाले बर्दाश्त नहीं हो सकते हैं, और कन्फ्लिक्ट वाले जो हथियार हैं वो खत्म होने चाहिए, न्यूक बम्बों की दौड़ खत्म होनी चाहिए, और बॉर्डर जो है वो रेशनल लेवल पर चलने चाहिए, और वो अंतर्निर्भरता जो बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए क्या स्लोगन निकले, कैसे हम उसको पेश कर पाए, एक तो ये मैं बात रखना चाहूंगा। तीसरी बात तो ये कि अगर दुनिया नहीं बढ़नी है, जैसे अभी यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने एक दिन कह दिया था कि वर्ल्ड इज एट द ब्रेकिंग पॉइंट, और उससे पहले भी कई लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड अब मल्टीपोलर हो चुकी है, जूनियर पोलर नहीं रही है, और इसमें कौन बड़ा बनेगा, कौन छोटा बनेगा, रिस्ट्रक्चर कैसे होगी, ये अभी सवाल हैं। लेकिन लगता ऐसा है कि वर्ल्ड इस किस्म की अब रहेगी नहीं, ये सब पैमानों से हमें जांचना चाहिए कि ये वर्ल्ड अब रिस्ट्रक्चर होगी, कितने इसके सरदार बन जाएंगे, कितनी शक्तियां बन जाएंगी और कैसे बन जाएंगी, ये इसकी तैयारी पैसे कैसे होगी, या फिर जोर लगाकर जंग करके कर साबित करना पड़ेगी, ये अब तय नहीं कर सकते हम। लेकिन कोशिशें दोनों हो रही हैं, जो लड़ने वाली भी हो रही है और पैसे वाली भी हो रही है, कि पैसे से भी पूरी दुनिया को एक तरफ लाया जा सकता है और जहां लड़कर भी एक दुनिया का कोई सरदार बनाया जा सकता है। इस समय भी हमें कोई नया स्लोगन और नई सोच निकालना पड़ेगी कि दुनिया को जंग में नहीं डाला जाए, और ना ही दुनिया में शक्तियों का संतुलन जो है वो लड़ाई में निकले। शक्तियां वाली बात ही खत्म होनी चाहिए, बिटो पावरें खत्म होनी चाहिए, हर नेशन को इक्वल राइट मिलना चाहिए, जनरल असेंबली या गवर्निंग सेंटर जो वर्ल्ड का एक सेंटर बने उसमें हर नेशन को बराबर का राइट हो, वन नेशन वन वोट हो, और जो बड़े अपनी ताकतें बढ़ना चाहती हैं उनको बढ़ने नहीं देना चाहिए, और इस किस्म का निजाम खत्म होना चाहिए। एक तीसरी और चौथी बात हमारे अपने हिंदुस्तान में है कि इस वक्त जो कॉम्युनलिज्म बढ़ रहा है और जो फासिज्म की ताकतें जोर लगा रही हैं, उन्होंने पूरा डरवा दिया है सारी जनता को, सारी जनता डर चुकी है, बाहर नहीं निकलती है। पुलिस अगर एक डंडा लेकर ये कहती है कि अपना मास्क ऊपर करो तो हमें ऊपर कर लेते हैं, वो कहते हैं नीचे करो तो हम नीचे कर लेते हैं, जहां तक हो चुका है कि हमें गाड़ी में चढ़ना है या नहीं चढ़ना है, बस पर अपनी पर्सनल गाड़ी भी चलानी है या नहीं चलानी है, 5 बजे तक मार्केट खोलनी है, 5 बजे के बाद कोरोना आ जाएगा, रात सारी रहेगा, सुबह 11 बजे फिर खोल लो, कोरोना चला जाएगा। हमें इलॉजिकल कर दिया, हमें तर्कहीन कर दिया गया है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जब समाज में तर्क नहीं रहता है, साइंटिफिक सोच नहीं रहती है, तो फिर वो समाज बहुत बिगड़ता है, वो उसमें बहुत बुराइयां आती हैं। आज हमें हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे साइंस से हटाया जा रहा है, उसके तरीके हिस्ट्री से कहते के जो तथ्य हैं वो बदले जा रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रही हैं ये देश में बहुत ही खतरनाक हो रही हैं, और जनता को इसका बहुत ही नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा, बहुत कीमत चुकाना पड़ेगी। बाकी हिंदुस्तान के बीच जो इस वक्त विचार है, उस विचार से जम्मू कश्मीर में तो बहुत डर है, जम्मू कश्मीर में तो सारी दुनिया डरी हुई है, जिसे चुप कहते हैं, एक साल आज 7 दिन और ऊपर हो गए, 15 दिन हो 12 दिन और आगे ऊपर हो गए, एक साल से हम लॉकडाउन में हैं, आज तक टेलीफोन हमें 4G नहीं मिला है, और ना ही हमारा बाजार खुला है, अभी तक कश्मीर वैली का तो बिल्कुल नहीं खुला है, जम्मू का कुछ डिस्ट्रिक्टों में 10 से 4 है, किसी में 11 से 5 है, किसी में हफ्ते में 2 बार बंद और 5 बार खुल रहा है, अभी हम लॉकडाउन की हर सख्ती के अंदर चल रहे हैं। और दूसरा, बॉर्डर पर रोज फायरिंग हो रही है, कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्राफ बढ़ रहा है, बच्चे नाराज ज्यादा हो रहे हैं, और सरकार भी इस बात को अब मान चुकी है कि हमने साल में जो करना था हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए रास्ता यही निकलता है कि गन कोई हल नहीं है, अमन ही कल है, अगर हमारा गन कोई हल नहीं है, हमारी नस्ल का अमन कल है,
कल अगर हम मन नहीं ला पाएंगे तो कल हमारा सुधरेगा नहीं, कल हमारा बन नहीं पाएगा। इसलिए अमन तभी आएगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर समझेंगे कि बॉर्डर जम्मू कश्मीर के पर गोला क्यों चलता है, अगर वहां पर कोई मसला है तो उसे हल किया जाए, बातचीत से हल किया जाए। ये प्रेशर दोनों देशों में बने, पूरी दुनिया में बने और हमारे देश में खासकर बने। और जो लोग वहां पर भारत माता की जय भी कहने वाले थे जहां पर, आज वो भी डरे हुए हैं, वो उस तरीके से ना बाहर निकल पाए हैं ना पब्लिक मीटिंग हो पाई है। और कोरोना भी एक बहाना मिल गया कि उसकी वजह से ना लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत मिल रही है, खुद कर ले हैं, खुद कॉन्फ्रेंसें भी कर रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं, दिन में मनाए जा रहे हैं, लेकिन जनता को कुछ नहीं इजाजत है। ये एक बहुत खतरे वाली घंटी है, जो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो नौजवान पीढ़ी दोबारा इन्वॉल्व हो रही है वो अब इस बात पर नहीं बहलाई जा सकती कि दफा 370 वापस लाई जा सकेगी या स्टेट हुड बना दी जाएगी। उनके लिए तो कुछ नहीं है, जे उनका अपना अलग किस्म की सोच बनी हुई है और वो सोच पर काम कर रहे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं। इसलिए हमें भारतीय सभी लोगों का ये एक दायित्व बनता है कि हम अपने इस खित्ते में पीस लाएं। पूरी दुनिया जो है इस खित्ते को एक लॉटरी के तहत इस्तेमाल करना चाहती है, जम्मू कश्मीर को, जहां का पानी, जहां का सोर्सेज हिमालय, उस पर चाइना, पाकिस्तान, ईरान और फिर इज़राइल अब अरब में पहुंचकर अमेरिका के कहने पर ईरान को धक्का देना चाहता है। ये जो शक्तियां सब इकट्ठी हो रही हैं, इसका सबका नजला जो है वो जम्मू कश्मीर पर पड़ने वाला है। इसलिए जम्मू कश्मीर बड़े सीरियस दौर से गुजर रहा है और उसमें से हिंदुस्तान अटूट जुड़ा हुआ है, उसमें कोई अलग नहीं है और सब कॉन्टिनेंट भी पूरा जुड़ा हुआ है। तो हमारा सबका ये आप दायित्व बनता है। मैं आज पहली बार हम इस मीटिंग को शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी है, एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए और हमें डिस्कशन करके इसके स्लोगन, इसका जो नक्शा, इसका जो प्रोग्राम है या इसका जो पीछा है सामने जो दिखाई दे लोगों को, एक था पूंजीवाद, एक था साम्यवाद, अब क्या बात हो, अब क्या चीज आए जिसे प्रकृति भी बचे, जिसे मानव भी बचे और बॉर्डर के जंग से भी बचे और तबाही से भी बचे, बीमारियों से भी बचे और इलाज भी मिल जाए, उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और जो ये पहली कोशिश, मैं मुबारकबाद देता हूँ और साथ में धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो कोशिश की और हम मिल पाए, धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद खजूरिया जी, आपने कश्मीर की विशेष परिस्थिति रखी जो हम में से भारत के दूसरे भागों में रहने वाले लोग जो बहुत महसूस नहीं कर पाते हैं। और आपके संगठन का, आप वामपंथी पृष्ठभूमि से हैं लेकिन अब जो है पर्यावरण के महत्व को भी आप लोग रखते हैं, ये विशेष बात है कि इंसान तो बचे ही, प्रकृति भी बचनी जरूरी है क्योंकि बिना प्रकृति के इंसान बचेगा नहीं। मानसी बहन इस बात पे कुछ कहेंगी, तो अब मैं अगला मानसी बहन को ही बुलाना चाहूँगा। हमारी अपेक्षा है कि राजनीति में वैसे महिलाएं कम आती हैं, इसलिए हमारी प्रक्रिया में शुरू से ही महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल रहें और नेतृत्व की भूमिका में भी रहें, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं मानसी बहन से। गुड इवनिंग, मैं इतना अच्छा तो हिंदी बोल नहीं पाती हूँ, थोड़ा माइक अपने मुंह के पास लाइए। हाँ, मैं इतना बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोलती हूँ क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा बचपन से एजुकेशन इंग्लिश में है और मैं विदेशों में घूम के और यहाँ पे भी पढ़ाने और काम, रिसर्च काम करती हूँ, वो ज्यादातर इंग्लिश में करती हूँ, तो मैं शायद इंग्लिश में ही बात कर पाऊंगी। तो मानसी बहन, आप जो बोल रही हैं हम लोग समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप हिंदी में रखिए क्योंकि इसमें कुछ साथी ऐसे हैं जी, जैसे राजीव यादव भाई। हाँ, बिल्कुल हिंदी में ही बोलूंगी पर मेरे काफी बातों में काफी इंग्लिश वर्ड्स आएंगे क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अब मेरे लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज हो गया है, मतलब इतने सालों में जी। मैं पहले दोनों स्पीकर्स का पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ और संदीप पांडे सर जी को भी।
मैं किसी अभी तो मैं कोई पॉलिटिकल नहीं करती, मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, एनवायरनमेंट और वाटर पे काम करती हूँ पिछले 25 सालों से, प्रोफेसर रह चुकी हूँ। अभी मैं डायरेक्ट तो नहीं पढ़ाती, पर मैं कॉलेजेस में जा जाके मुझे बाय इनविटेशन में पढ़ाती हूँ। तो ये रहा मेरा छोटा सा बैकग्राउंड। लिखती हूँ मैं, पर मैं काफी क्लोज पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूँ, ये मैं बचपन से ही हूँ। तो इसलिए अब मुझे बहुत ज्यादा अनरेस्ट है दिमाग में, और इसलिए मैं ने संदीप जी को लिखा था, क्योंकि वो उनका पोस्ट आता है मुझे सोशलिस्ट पार्टी से, क्योंकि वो यहाँ IIM पढ़ाने वाले वाले थे, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहती थी और उनका बैकग्राउंड देख के। तो ये छोटा सा हमारा कनेक्शन है, तो मैं उनसे मिलती क्योंकि वो क्या पढ़ाते हैं इस, और वो जानना चाहती थी। अब मैंने संदीप जी से एक्चुअली ये बात किया था कि फर्स्ट सेकेंड फ्रंट थर्ड फ्रंट तो सब हो गया और सब लोग बैठ गए हैं, अभी ऐसा कोई तो दूसरा और तीसरा फ्रंट तो रहा नहीं देश में। तो मैंने उनसे ये बोला था कि रीजनल पार्टीज जो हैं काफी सारे हैं, मतलब चाहे तो वो इंडिपेंडेंट बोलिए MP MLAs या जैसे बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, जैसे हम खुद सोशलिस्ट पार्टी है, मुझे अभी कुछ लोग आए थे मिलने इंडिया ग्रीन्स पार्टी से कि हम एनवायरनमेंट का काम करते हैं, तो मैंने उनको अपना कंसेंट दिया है कि एनवायरनमेंट का काम करेंगे तो मैं आप लोग के साथ जुड़ना चाहूँगी। तो मैंने ये बात किया था कि अब तीसरा दूसरा फ्रंट तो रहा नहीं देश में, तो जनता का कोई फ्रंट बन सकता है क्या? तब संदीप जी ने मुझे ये बताया था कि लोक राजनीति मंच है, जो पहले भी शायद कुलदीप सर ने ये शायद महसूस किया होगा उस समय कि कहीं पे कहीं कहीं ना कहीं जनता एक्चुअली डोसाइल है। मेरा पर्सनल सोचना ऐसा है कि किसी भी देश की सरकार ऐसे होती है जब जनता वैसे होती है। तो सरकार जो भी हो, जो बैठी हो पोजीशन पे, वो कुछ नहीं है बल्कि जनता का आईना है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रफुल्ल सर से कि ये चीज को सुधारने के लिए पॉलिटिक्स ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक्टिविस्ट जिस तरह से देश में जेल में जा रहे हैं, मैं तो ना एक्टिविस्ट हूँ ना पॉलिटिशियन हूँ, पर मुझे हर दिन अब डर लगा ही रहता है, जिस तरह मैं भी काफी लिखती हूँ आजकल। तो एक्टिविज्म से नहीं चलेगा, ये बात सही है। पॉलिटिक्स करना है तो फिर पॉलिटिक्स की ये सबसे बड़ी दिक्कत है, जो मैं अपने ऑब्जर्वेशन से आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, कि जो आइडियोलॉजिकल फिक्सेस हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मर्जिंग में एक बाधा है। इस कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्थ फिफ्थ फ्रंट के बारे में भी सोचा जाता है, जो लोक राजनीति मंच, जब मुझे पता चला कुलदीप सर का संदीप के थ्रू, तो मैंने उसको काफी जानना चाहा कि एक्चुअली ऑपरेट कैसे करती था, इसका बिजनेस मॉडल क्या था, और ये क्यों बीच में रुक जाता है और फिर चालू होता है और फिर रुक जाता है। तो क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ तो मेरे को हमेशा प्रॉब्लम जानने में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो मैं अगर आगे भी हमको इसको चलाना है तो मैं दिमाग तो दे सकती हूँ, शायद चलाने में तो हमको फोर्स की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं इस बारे में तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जो भी सहायता चाहिए इस मंच को इंटेलेक्चुअली, और कूटनीति हो चाहे राजनीति हो, वो मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ एज अ बैकग्राउंड। पर उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे सब फ्रंट क्यों नहीं चल पाते। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इस मंच को बिलीव करने वाले, जो प्लेटफॉर्म को बिलीव करने वाले, आप और मैं जैसे हाईली आइडियोलॉजिकल लोग होते हैं हम लोग, जो हम बेंड नहीं होना चाहते किसी के भी आइडियोलॉजी के साथ, मर्ज नहीं होना चाहते किसी के आइडियोलॉजी के साथ। तो ये सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट होता है। और यहाँ पे मैं उस बात को फिर से दोहराऊंगी जो बहुत अच्छी तरह से प्रफुल्ल जी ने रखा, कि नेता तो पार्टी ऐसे बदलते हैं जैसे वो कपड़े बदलते हों। तो वो आइडियल लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, आइडियोलॉजिकल लोगों के लिए। तो जब ऐसा मंच चलाना हो तो वो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वो इन्फ्लुएंस्ड है, या उसकी आइडियोलॉजी से वो चलता हो, या वो लोग उसमें गैस भर रहे हो, मतलब पंप कर रहे हो, तो वो उस पार्टी का ही आइडियोलॉजी से चलेगा। तो अगर इन दैट केस हम बाकी पार्टीज को हम कैसे कन्विंस करें कि फिफ्थ सिक्स फोर्थ पार्टी चलेगी? क्योंकि अगर अपन देखें 2019 इलेक्शन के पहले कोशिश की गई थी, ममता जी को आगे बढ़ाया गया, वो भी नहीं बढ़ी। तो समहाउ ऐसा लगता है इस वक्त एक्चुअली देश में कोई राज करना ही नहीं चाहता।
अगर मैं राज बोलू तो कोई एक्चुअली पॉलिटिकल लीडर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है पॉलिटिक्स करने में, तो इसलिए वो इनकम्बेंसी ऑफ ऑपोजिशन के कारण एडवांटेज है जो अभी रूलिंग पार्टी को, रूलिंग पार्टी को खुद भी मालूम है कि वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, पर उनको ये भी मालूम है कि सामने कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सीबीआई हो, या कोई भी कारण हो, तो इसलिए सब लोग बहुत आराम से बैठे हुए हैं कि वेट एंड वॉच पे चल रहे हैं सब, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सब पॉलिटिकल पार्टी को। ये सिचुएशन देखते हुए मैंने एक प्रस्ताव रखा था संदीप जी को कि जो रीजनल पार्टीज हैं, क्या कहीं से कैसे करके भी हम एक डायलॉग शुरू कर सकते हैं उनके साथ, कोई मर्जिंग के हिसाब से नहीं, बट हम रीजनली अपने आप स्ट्रेंथ बढ़ाएं और एक दूसरे का सपोर्ट करें रीजनल लेवल पे उनके पॉलिटिक्स को एलिवेट करने का। तो इसमें कोई नेशनल मिशन भले ना हो इस वक्त जो मुझे अभी दिखता है, क्योंकि नेशनल मिशन आने से नेशनल एजेंडा कॉमन होना पड़ेगा, वहीं पे फिर ये रीजनल पार्टीज जो हैं उनका मर्जिंग का कॉन्फ्लिक्ट आएगा आइडियोलॉजी पे। अब ये बात आइडियोलॉजी की आप लोग सब मेरे से ज्यादा जानते हैं और काफी सीनियर्स भी हैं कोई इस टीम में। आइडियोलॉजिकल क्लैशेस में मोस्ट आइडियलिस्टिक लोग सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं, तो वहां पे अगर हमको ऐसा मंच चलाना है जिसमें कि एटलीस्ट डायलॉग हो सके और जिसमें हम रीजनल सपोर्ट दे सके, तो मैं इस वक्त एक्चुअली देख नहीं रही हूँ कि ये एक ऐसी फोर्स बने जिससे कि नेशनल फोर्स बन पाए। मुझे इस वक्त वो नहीं दिख रहा है अनलेस एंड अंटिल रीजनल फोर्सेस का एक हम अनुमान लगा सके। तो मेरा ऐसा प्रस्ताव था कि 14 अगस्त एक्चुअली लोक राजनीति मंच का जन्म था, जन्म दिवस है, तो अब 16 साल हो गए हैं उस जन्म दिवस को, तो अगले के समय अगले 14 अगस्त का वो एक अपना डेडलाइन माने और कहीं से भी कैसे करके भी रीजनल पार्टीज की आवाज को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए जो बना बनाया प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर सके, तो पॉसिबल है क्या? ये सवाल मैंने संदीप जी को रखा था, जिसके कारण शायद आज हम ये मिल रहे हैं। तो उसके बाद हमने एक्चुअली बात किया कि अगर रखना है तो लोक राजनीति मंच है उसको उसको यूज करें क्या। पर मेरा एक इसमें सजेशन और वार्निंग रहेगा कि अगर उसको यूज करना है तो बहुत सारे सिटीजन्स जो राजनीतिक इन्फ्लुएंस में नहीं है उनका भी होना जरूरी होगा, चाहे वो एक्टिविस्ट हो चाहे वो नॉर्मल सिटीजन हो। मैंने एक्चुअली एज अ नॉर्मल सिटीजन ही मैं अनरेस्ट में हूँ, मेरा कोई राजनीतिक अफिलिएशन नहीं है, पर एक अनरेस्ट है अपने घर के आसपास, अपने दोस्तों के आसपास देख के कि ये जो कम्युनलिज्म है सांप्रदायिकता जिसको बोलते हैं वो इतना ज्यादा जहर घुल चुका है कि ये राजनीति से साफ नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला शुरू में कि राजनीति एक मिरर है समाज का, तो जो डिविजन है जाति का, जो डिविजन है धर्म का, वो राजनीति से साफ नहीं होगा। राजनीति तो वो जो डिवीजन है उसी को ही खा रही है बैठ के। तो अगर राजनीति से उसको साफ करना है तो उसका तरीका क्या हो सकता है, उसको कैसे करना है, ये सब चीजें चर्चा के लिए मैं एक्चुअली आज इस प्लेटफॉर्म पे आई थी। मेरे पास बहुत कुछ देने और बताने का नहीं है, पर चिंतित जरूर हूँ। मैं अपने आप को पॉलिटिक्स में देखती नहीं हूँ, बहुत ही खराब पॉलिटिशियन बनूंगी अगर बनी तो, क्योंकि धांधली करने आना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल काम है। जो एक नॉर्मल माइंडसेट हो गया है कि पॉलिटिक्स करने के लिए गंदगी आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डेटरेंट है मेरे जैसे लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में सोचने के लिए। तो अगर हम मंच को मंच जैसा यूज कर सके और जो जो पॉलिटिकल पार्टीज है लोकली वो अगर अपने पॉलिटिकल एजेंडास को यूज करें और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके उनके लोकल राइजिंग के लिए, ना कि नेशनल राइजिंग पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं वो भी अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा डेमोक्रेसी के लिए। मेरा बहुत ही स्ट्रांग सोचना है कि कोअलिशन गवर्नमेंट पे मैं बिलीव करती हूँ, मैं वन पार्टी गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं करती चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो क्या ये ऐसा कोअलिशन सिस्टम हम लोकल लेवल पे, मतलब स्टेट लेवल पे भी अगर उसको हम एम करते हैं तो लोकल पार्टीज को हम कैसे साथ में लाएं इस प्लेटफॉर्म में, ये मेरा इच्छा था।
और मैं उसके लिए अगर कुछ करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। तो मैं आई थिंक मैं इस पॉइंट पे अपने आप को यहाँ पे सीमित करूंगी, क्योंकि मैं सुनने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आज कि देश में जो जनता पॉलिटिक्स है वो कहाँ आज की तारीख में खड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस तो कहीं खड़े हुए नहीं है। वो हमने एमपी में भी देख लिया, कर्नाटक में भी देख लिया, महाराष्ट्र में भी देख लिया, राजस्थान में अभी हाल ही में देखा, पूरे पानी में है। तो दिल्ली का हाल बुरा है। तो ये जो पार्टीज अभी रूल कर रही है, इसके बियॉन्ड भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका क्या विचार है, वो कहाँ वो अपने आप को देखते हैं। मेरा एक पर्सनल परसेप्शन ये भी है कि काफी सारे इंडिपेंडेंट जो लोकल पार्टीज हैं वो वोट काटने और बांटने का काम भी करती हैं, और ये सच्चाई है। तो इसके आगे कौन सोच सकता है, और इसके आगे कौन एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने में कौन इंटरेस्टेड है, ये मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है। कर सकते हैं क्या, कैसे करें, क्या करना चाहिए। तो मेरे को मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड तो होंगे, जो मेरे में अनरेस्ट है काफी लोगों में है। प्रफुल्ल सर की बातों से बिल्कुल मुझे लगता है कि उनमें अनरेस्ट है, खजुरिया सर की बातों से भी लगा अनरेस्ट है। पर चूंकि हम लोग अपने आइडियोलॉजी से बंधे हैं, देखिए मेरा रोज का काम तो पानी है और पर्यावरण है, तो उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, पर मैं खाली उसमें ही रहने से एक्चुअली समाज में सुधार नहीं हो रहा है। तो अगर इस प्लेटफॉर्म को कुछ करना हो और उसमें मेरी कोई जरूरत पड़े तो मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी बहन। नहीं, हम बिल्कुल आपके अंदर जो तड़प है एक वैकल्पिक राजनीति को खड़ा करने की, हम चाहेंगे कि उसका हमें लाभ मिले। और आप इस मंच की तरफ से जो आपने प्रस्ताव रखा है कि आप छोटी छोटी पार्टियों के साथ बात करने को तैयार हैं, तो आप ये बिल्कुल कीजिए। आप अगर ये भूमिका निभा सकती हैं तो आप यही भूमिका निभाइए, लेकिन आप इस प्रक्रिया को मजबूत कीजिए। अब मैं चाहूंगा हमारे एक और वरिष्ठ साथी हैं उत्तर प्रदेश से, अजीत सिंह यादव जी। ये भी वामपंथी पृष्ठभूमि से हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयशा की राजनीति और उसके बाद वामपंथी राजनीति से जुड़े रहे, चुनाव भी लड़ चुके हैं बदायूं से। मैं इनके लिए प्रचार करने भी गया था, तो मैं चाहूंगा कि अजीत सिंह यादव जी अपनी बात रखें। नमस्कार संदीप भाई, प्रफुल्ल भाई, ईश्वर, खजुरिया साहब, मानसी जी, दिलीप जी, राजीव भाई, सभी को नमस्कार। मैंने सब कुछ सुना अब तक, और मुझे लगता है कि सभी लोग ये महसूस कर रहे हैं देश में कि ये जो पिछले ये जो मोदी रेजिम है आरएसएस बीजेपी का, तो इसका कैसे मुकाबला किया जाए। आवाज आ रही, और ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि जो दी हुई अभी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे, वो कोई कोई मुकम्मल कोई ऐसा विरोध या ऐसा कोई विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा पा रही हैं। विभिन्न प्रश्नों पे हमने देखा है, चाहे 370 वाला प्रश्न हो कश्मीर का, चाहे सीए एनआरसी एनपीआर का मसला हो, तो या जो निजीकरण किया पैमाने पे, या जो मानव अधिकार जो लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले हो रहे हैं, तो देश में जो संसदीय विपक्ष है या जो गैर संसदीय विपक्ष भी है आंदोलन के स्तर पे, तो वो भी कोई ऐसी स्थिति में नहीं दिख पा रहा है कि जो मुकम्मल जवाब दे सके। तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है, हमारे सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने भी ये बात कही कि कैसे विकल्प आए। तो जाहिर सी बात है कि विकल्प तो कोई बना बनाया नहीं है, और जो कुछ हम पैरामीटर्स रख सकते हैं आज की मीटिंग में, जैसा संदीप भाई ने मॉडरेट करते हुए कहा कि ये हम जो नई अर्थ नीति है, जो
ना वो उदारवादी नीति है और कम्युनल फैसिस्ट जो पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ हम कोई एक विकल्प की बात कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि उसमें एक कोई बेस पेपर हमारा ऐसा बन सकता है जो देश में कोई ऐसी वैकल्पिक कोई प्लेटफॉर्म के लिए, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो जरूरत है वो एक ऐसी जरूरत है जो एक ऐसा ब्रॉडेस्ट पॉसिबल एक प्लेटफॉर्म हो जिसका नेचर, जिसकी अंतर्वस्तु राजनीतिक हो और जिसमें सभी तरह के जो लोग हैं, जो विचारधारा में जो अलग अलग विचारधारा भी रखते हों, अंबेडकराइट्स हों, गांधीयन हों, लोहियाइट्स हों, कम्युनिस्ट हों या जो नॉन कम्युनिस्ट, जो जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या ऐसे तमाम जो लोग जो जो विभिन्न मूवमेंट्स में काम कर रहे हैं, जो गैर राजनीतिक हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि जो बेसिकली जो लोकतांत्रिक हमारा संविधान ने की प्रस्तावना में जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए, भारत की गणराज्य के लिए जो परिकल्पना की गई थी, उद्घोषणा की गई थी, उसको मूर्त रूप दे सके, जो सबको, हर नागरिक को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो गारंटी करने के लिए एक ऐसा भारत के निर्माण के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक घोषणा की। तो आजादी के 73 साल बाद ये हम देखते हैं कि हम उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, और जो चाहे धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न हो या लोकतंत्र का प्रश्न हो, तो हमारा जो गणराज्य है वो दरअसल वहां उन मान्यताओं पर, उन मूल्यों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। और ये दिखा कि जब संसदीय विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं है तो शाहीन बाग का जो आंदोलन खड़ा हुआ, सीएए से लेके एनआरसी के खिलाफ जो देश में जनता सड़कों पर उतरी, उससे एक नई आशा दिख रही है देश में। या जिस तरह से अभी प्रशांत के मसले पे देश में तमाम लोग सड़कों पे आए, उतरे, उससे ये बात दिख रही है कि जनता में एक अनरेस्ट है। देश की एक बड़ी आबादी ये जो वो भारत, भारतीय गणराज्य को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आधारों पे खड़ा करना चाहती है, उनके लिए कोई विकल्प देश में नहीं है। वो एक पार्टी में अभी परिलक्षित नहीं हो सकता विभिन्न वजहों से, विचारधारा की भी वजहें हो सकती हैं और भी तमाम कारण हो सकते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो। तो इस समय इसलिए एक ऐसे ब्रॉडेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कम्युनल फैसिज्म को शिकस्त दे सके और उसकी कुछ बुनियादी दरअसल प्रस्थापना क्लियर होनी चाहिए, जो हमने अन्ना आंदोलन या आम आदमी पार्टी के प्रयोग से देखा कि केवल ये गवर्नेंस का इशू नहीं है, ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस में है देश। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ संक्षेप में ही कि ये हमको इस दिशा में काम करना चाहिए। आज एक प्रारंभिक मीटिंग हुई है और हमें देश में, उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित करना चाहिए और एक बड़ी मीटिंग आगे हमें कॉल करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं संदीप भाई से कहना चाहूंगा कि कोई एक हमें बेस पेपर हमें बनाना चाहिए कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा जो है, दो बुनियादी प्रस्तावनाएं हमने आज रखी थी कि न्यू लिबरल जो मॉडल है इकोनॉमी का, उसके विरुद्ध और कम्युनल फैसिज्म के विरुद्ध। इसके अलावा भी एक जो और कुछ आया था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, बॉर्डर पे शांति चाहते हैं, तो विदेश नीति के सवाल पे एक बात आई थी जो ईमेल मुझे मिला है। इसी तरह से हमें इकोनॉमी में हम क्या सोचते हैं, किस तरह की इकोनॉमी चाहते हैं, सोशल हमारी पॉलिसी क्या होगी, सोशल जस्टिस पर, आदिवासियों के प्रश्न पर, महिला प्रश्न पर
और हमारी ओवरऑल जो पॉलिसी क्या होगी, तो मुझे लगता है कि ये हमारा क्लियर रहे और उस मेन पैराडाइम, मेन जो हमारे आधार हैं, उस पर जितनी फोर्सेज अगर साथ आ सकती हैं, उन सारे शक्तियों को हम लें। और मैं समझता हूं कि केवल कुछ पार्टियों के चक्कर में हमको नहीं केवल पढ़ना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि ढेर सारी फोर्सेस सोसाइटी में ऐसी हैं जो किसी पार्टी में नहीं है। जैसे शाहीन बाग का जो आंदोलन था, वो हिस्टोरिकल मूवमेंट था, आजादी के बाद हमने देखा इतने बड़े पैमाने पर लोग उतरे, वो किसी पार्टी के नहीं, एक पार्टी के नहीं थे, किसी पार्टी बैनर से वो मूवमेंट नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो हमारी जो हम केवल सोचें कि नहीं कुछ पार्टियों को हम का कोई कोएलिशन बना लें, छोटी मोटी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, या कुछ संगठनों का NAPM ही है उसके लिए, जो छोटे छोटे जो कुछ इस तरह के आंदोलन के संगठन थे तो उनका एक मंच ही है, तो इस तरह से, या कुछ लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने अपना एक अलग मंच भी बना रखा है, तो कुछ इस तरह का कोई मंच बनाने से का मुझे लगता है कि कोई लाभ नहीं है। दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको बनाना चाहिए जो ये जो सोशल फोर्सेस हैं, वो सारे सोशल फोर्सेस उसमें उनकी जो आवाज है, जो कोई राजनीतिक दल नहीं उठा पा रहा है विभिन्न कारणों से, उस आवाज को हम उठा सकें, वो चाहे आदिवासियों का प्रश्न हो, कश्मीर का हो, जिन काम मसलों को, या NRC NPR का जो प्रश्न है, कोई राजनीतिक दल उसको सही तरह से लीड नहीं कर पाया, तो एक इस तरह का मंच की आवश्यकता है। और उसमें मैं समझता हूं कि हम राइट टू डिसेंट का भी अपना जो जो उसका सांगठनिक स्वरूप है उस पर भी बात होनी चाहिए, उसमें राइट टू डिसेंट होना चाहिए, लोगों को असहमति का अधिकार संगठन को, व्यक्ति को रहना चाहिए, और सभी को फुलेस्ट ऑटोनॉमी, जो भी संगठन है उसमें, चाहे पार्टी उसमें शामिल हो, इंडिविजुअल शामिल हो, उनको फुलेस्ट ऑटोनॉमी रहनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल, वो अपने स्वतंत्र संगठन, पार्टियां और संगठन जो भी उसमें शामिल हो वो चला सकते हैं, अपनी अलग राय भी रख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक इस तरह का डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चाहिए, उसका नाम में ही राजनीति लगा हो, ऐसी जरूरत मुझे लगता है कि उस समय कुलदीप नैयर साहब ने, आप लोगों ने जो सोचा हो, लेकिन वो कोई राजनीतिक दल आप देख लीजिए उसके नाम में राजनीति नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो राजनीति करते हैं, सत्ता भी हासिल करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम नाम को लेके भी, हमको ओपन रहना चाहिए, रिजिड नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये नाम केवल लोक राजनीति मंच ही होगा, इस पर भी हमें ओपन रहना चाहिए। और मेरी सलाह तो ये है कि इसका नाम हम लोग कोई ऐसा नाम हमको रखना चाहिए, क्योंकि उसके प्रोग्राम में ये रहना चाहिए कि इसकी दिशा राजनीतिक होगी, बजाय इसके कि उसके नाम में, और कार्यवाहियों से ये तय होगा कि वो राजनीतिक है कि नहीं है। तो हम भले ही बहुत राजनीतिक नाम में लोक राजनीति मंच रख लें, लेकिन कार्यवाहियों में अगर वो नहीं परिलक्षित होता है तो उसके नाम का मूर्त रूप वो नहीं आ पाएगा। तो मेरी ये सलाह थी, बाकी आगे जो भी योजना बनती है, मैं समझता हूँ कुछ लोगों को जिम्मेवारी दे देनी चाहिए, जो इसका एक प्रस्ताव बनाए, एक इस तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल प्रस्ताव इसका बनावे, और उसको जो भी देश में इस तरह के लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में जो लोग काम कर रहे हैं, या इस तरह की जो पार्टीज हैं जो कि अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स में काम करती हैं। अब हम रीजनल पार्टीज के नाम पर समाजवादी पार्टी या बसपा से बात नहीं कर सकते, हम जानते हैं कि कम्युनल फैसिज्म का सवाल हो या न्यू लिबरल मॉडल का सवाल हो, दोनों पर वो कहीं खड़े नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमको ये भी तय करना चाहिए कि किससे हम बात कर सकते हैं कुल मिला के। तो संदीप भाई, मुझे यही कहना था, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर मुझे सुना, शुक्रिया। ठीक है,
अजीत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी बात सुन के मुझे तीन इसमें से वो करने वाले काम दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो जो बात दूसरे लोगों ने भी कही है कि अभी तो हमने बहुत एक छोटा सा पैराग्राफ मानसी जी से अप्रूव करा के उसको भेजा था, लेकिन थोड़ा विस्तार से इस मंच की विचारधारा क्या होगी उस पर मुझे लगता है एक दस्तावेज तैयार होना चाहिए। उसको नाम आप कुछ भी दे दें। दूसरा, इसका ढांचा क्या होगा, जो आप सांगठनिक ढांचे की बात कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक असहमति की गुंजाइश वगैरह की बात कर रहे थे, वो सब बातें आनी चाहिए कि ये काम कैसे करेगा व्यवहारिक रूप में। और तीसरा, जो आपका बहुत आग्रह है नाम को लेके, तो उस पर हमें लगता है अलग से बात कर लेनी चाहिए। और उसमें मुझे लगता है जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, प्रफुल्ल सामंतरा जी हैं, आईडी खजूरिया जी हैं, और मानसी बहन को भी मैं शामिल करना चाहूँगा, और अजीत भाई, तो आप चार लोग मिलके फोन पे एक कॉन्फ्रेंस कॉल करके किसी दिन और किसी को भी शामिल करना चाहे आप कर लें, इसमें से भी, इसके बाहर से भी, और नाम वाला इशू आप लोग तय कर लीजिए। मतलब मुझे कोई इसमें बहुत आपत्ति भी नहीं है कि नाम बदला जाए, और मुझे इस नाम से भी चलता रहे तो भी कोई बहुत दिक्कत नहीं। जैसा आपने कहा कि काम असल में जो है वही आदमी का बोलता है। तो मैं एक पत्रिका चलाता था सच्ची मुच्ची, बहुत सारे लोग बोलते थे ये क्या नाम है सच्ची मुच्ची, हाँ, लेकिन मैं कहता था भाई इसके अंदर का कंटेंट आप देखिए, आप नाम पे मत जाइए। वो असल में शुरू हुई थी एक बच्चों की पत्रिका के रूप में, लेकिन बाद में वो हमारे संगठन की पत्रिका बन गई थी, और उसमें बहुत गंभीर किस्म के लेख छपते थे। तो ये बात आपकी मैं सहमत हूँ कि ऊपर का लेबल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, असल में जो वस्तु है उसकी गुणवत्ता और वो ज्यादा ठोस बात है, तो इससे मैं सहमत हूँ। तो आप, मैं आप ही को ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ क्योंकि आप इस पे ज्यादा आग्रह कर रहे हैं, तो आप खुद ही इसको दो चार साथियों को लेके और इसको तय कर लीजिए क्या होना चाहिए। हाँ, एक प्रश्न प्रफुल्ल भाई जी बोलिए। मुझे लगता है कि आप जिस विचार में सोच लेकर ये मीटिंग बुलाए, मुझे लगता है कि ये जो जैसे मानसी ने बोला कि राजनीति, इसमें एक फर्क है, जो गंदा राजनीति तो सही है, मगर जो हम जो राजनीति की बात हमने बोला, अब जो राजनीति हमने बोली वो राजनीति इसलिए कि तो लोक राजनीति हम नाम रखे नाम लिया, क्यों, ये एक डिफरेंट है जो राजनीति लोगों के लिए है। और अब अगर आप राजनीति को ही कहेंगे कि राजनीति खराब खराब है, राजनीति की जरूरत नहीं है, तो ये गंदा राजनीति चलेगी और मजबूत के साथ चलेगी। चल ही रही है, अभी चल ही रही है, इसीलिए पॉलिटिक्स इज इनएविटेबल। सो हम जो हमको मानना पड़ेगा, हम राजनीति दल बनाएंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि वो राजनीति को कैसे जनता के नियंत्रण में रहेगी, जनता किसी तरह इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वोट के बिना सिवा जनता राजनीति में नहीं है, जनता का हिस्सेदारी नहीं है। तो हम जो लोक राजनीति की बात करते हैं वो राजनीति इसलिए करते हैं कि जो विकास का हो, पर्यावरण की जो समस्या हो, क्राइसिस हो, उनके मिटाने के लिए, उनके प्रतिरोध करने के लिए, और उसके एक अल्टरनेटिव के साथ भी। हम एक कैपिटलिज्म को विरोध करते हैं, हम कम्युनिज्म और सोशलिज्म बात नहीं बोल सकते सपोज, मगर क्या पीपल्स इकोनॉमी है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है, तो अल्टरनेटिव के साथ राजनीति की भी तो अल्टरनेटिव है। तो राजनीति की बात बनाने से गंदा राजनीति हो जाएगा ऐसा नहीं है, वो राजनीति गंदा राजनीति को चुनौती देने के लिए हमको जो पीपल्स पॉलिटिक्स लोक राजनीति, इसलिए मैं अपील करता हूँ सोचने के लिए। ठीक है, सभी लोगों का ये मतलब है, जो एक ही तो एक बड़े कुलदीप नायर के जैसे हमारे एक हिस्टोरिकल हमारे सामने ग्रेट मैन है भी थे, तो उनके जो कोशिश में जो है जो बुनियाद सवाल उठाए थे आज भी वो है,
और इसलिए जो लोक राजनीति मंच भी है, जो लोक राजनीति की बात मुझे लगता है उससे कैसे हम एक डिफरेंट एक नया दिशा में लेंगे, मुझे लगता है वो ठीक होगा। नाम में ज्यादा परिवर्तन करने से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर अगर इस नाम को अगर नहीं चले गए तो उस समय जो लोग थे बहुत, अरुणा राय से लेकर मेधापत जी से लेकर सब लोग थे, अभी भी है, तो उसको फिर हमको री इमर्जेंस, री ऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीग्रुपिंग, इसके साथ साथ जो नया ग्रुप है, जो नया लोग है, जो नहीं है भी, तो वो अभी अभी पर्यावरण के बीच में, जन आंदोलन के बीच में बहुत बहुत लोग काम कर, कम्युनलिज्म के खिलाफ भी लोग काम करते हैं, कश्मीर के इशू में भी लोग काम करते हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट को लेकर काम करते हैं, तो सभी लोगों को हम ले आ सकते हैं। क्योंकि जो बुनियादी सवाल है, तो लोक राजनीति मंच मुझे लगता है उनका जो बुनियाद है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, उसको फिर हम रिवाइव करके जो रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इजी हो जाएगा सभी लोगों को इन्वॉल्व करके, फिर एक नया मंच बनाएंगे, फिर एक नया नाम देंगे, तो फिर लोगों के मन में होगा ये क्या है। मुझे लगता है मैं सहमत हूँ इसलिए क्योंकि जो अभी जो 15 साल निकले हैं वो 15 साल हमारे लॉस हो जाएंगे, और जो लोग इसमें जुड़े हुए थे हम उनको जोड़ने की जगह हमको नए फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो बिल्कुल अजीत जी से मैं अपील करूंगा कि ये तो वो तो बात रखे तो अच्छा है, ये क्योंकि सभी लोग को, सभी ग्रुप को, ये कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, और एक भी ये सही है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां वो उनके साथ भी और उनके साथ नहीं रहे भी उनकी जो उनकी दिशा, उनका सोच, ये पूरा कॉर्पोरेट के साथ है, ये रिस्क नहीं लेने की चाहते हैं कि कम्युनल जो खिलाफ और बोलने के लिए, तो उनके साथ हमारा कोई बात करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, we will not lose our time। तो उसके साथ साथ मुझे लगता है कि नाम को ज्यादा नई नाम ना देकर उसके बाद फिर सोचना, मुझे लगता है ये प्रस्ताव में रखता हूँ कि आपके सभी को छोड़ देता हूँ। ठीक है, हमारे बीच एक बहुत ही यंग बच्चा है, तो आप प्लीज उनके लिए रूम रखिएगा। मैं नहीं, लेकिन उसने ये भी कहा कि वो आखिरी में बोलेगा। अच्छा, तो मैं उसके पहले कुछ लोगों को चाह रहा था बुलवाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं जस्ट आपको रिमाइंडर दे रही थी। हाँ, राजीव नहीं, मुझे उसका इसके कमेंट्स भी दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने क्योंकि हाँ, बिल्कुल। राजीव यादव को मैं चाहूंगा कि अपनी बात रखें, और मैं अपने साथियों को ये भी बता दूं कि राजीव भाई आजमगढ़ से अगला चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। राजीव भाई, राजीव भाई है कि नहीं है? राजीव यादव जी, हाँ जी सर, सभी लोगों को नमस्ते। जो है आप सभी लोगों ने की और बहुत सारे साथियों के जो कमेंट थे, जो है जिसपे खास तौर पर अजीत भाई ने जो बात रखी, और संदीप जी ने, और मानसी जी ने, और कश्मीर के साथी ने, और फुल्दा ने, जो अभी मौजूदा सिचुएशन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे अभी लग रही है वो ये है कि जो खास तौर पर अभी जो राजनीतिक सिचुएशन में ये हो रहा है कि पक्ष विपक्ष और तमाम चीजें एक साथ वैचारिक सहमतियां हो गई हैं, कोई किसी का कोई भी मामला नहीं है, सब लोग हिंदुत्व की गोदी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वहीं पर अब लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण और वाद और मनुवाद में हमें हमें थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि हिंदुत्व में कुछ चेंज किया जाए, आरएसएस अच्छा और बुरा ये तय करने का अगर वक्त आ जाए तो वो मुझे लगता है कि उसमें हम लोगों को इस जो हम लोगों ने राजनीतिक ये जो प्रक्रिया है, जो राजनीति की बात कर रहे हैं, ये बहुत नितांत जरूरी हो जाती है। दूसरा कि जो खास तौर पर जो अजीत भाई ने बात रखी वो बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि उन्होंने इस देश में जो तमाम आंदोलन इस दौर में उभरे, और खास तौर पर हम अगर बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 के बाद यहाँ पर SC ST एक्ट कमजोर किया गया तो भारत बंद हो गया, इसके बाद नागरिकता के नाम पर जो आंदोलन हुआ उसके खिलाफ जब एक कमेटी को गैर नागरिक घोषित करने की सरकार ने कोशिश की,
तो 19 और 20 में हमारे 23 नौजवान शहीद हुए, इसके पहले 13 नौजवान 2 अप्रैल को शहीद हुए। तो मामला है कि वो जो नौजवान थे वो शहीद हुए, जो लोग जेल गए, जो जेल में हैं, या जो तमाम केसेस लगे हैं सेडिशन के, यूएपीए के, गैंगस्टर के, एनएसए के, तमाम जो केसेस हैं, वो साफ बता रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं, अगर इसमें देखा जाए तो इक्का दुक्का हटा दिया जाए तो कोई किसी राजनीतिक पार्टी का कोई नुमाइंदा कोई बंदा नहीं है। ये सब के सब उन परंपरागत जो राजनीति पक्ष की उससे अलग है, और कहीं न कहीं एक नया सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई थी, सोशल जस्टिस की लड़ाई थी, उसको सामाजिक परिवर्तन में तब्दील करते हुए राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में वो तब्दील होता है, एकदम सामने दिख रहा है। और उसका नैरेटिव अगर दिशा जाए निचले स्तर पे बनने लगा, जैसे उत्तर प्रदेश में भी जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ, या फिर बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जैसे हमारे साथी गौतम प्रीतम हैं, या इसके अलावा भी मैं तमाम साथियों से जो बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू बात जो देखते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग बिहार में भी नए लोग आएंगे। हो सकता है उनको हमारे नैरेटिव में, हमारे तमाम जो लोग जो इस नैरेटिव में देखते हैं सिर्फ कुछ राजनीतिक पार्टियों की शक्ल में, तो उनको लोग कहे कि ये वोट कटवा है, इन्होंने वोट काट देंगे, ये बीजेपी को जिता देंगे, लेकिन उनसे उस समय भी ये बात होनी चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जब जब चाहे वो नागरिकता के नाम पर एक कम्युनिटी को बेदखल किया जा रहा था, या से एससी एसटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा था, या कहीं भी कोई जुल्म और ज्यादती हुई, ये वो लोग थे कि जो पहले सबसे पहले ये लोग जाके वहां खड़े हुए। तो आज जरूरत है कि वो लोग अगर समाज के इतनी मुश्किल दौर में, जब लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, तो कोरोना युग में बड़े पैमाने पे लोगों ने इस बात को माना कि हम मजदूरों की औलादें हैं, यूपी बिहार के जो तमाम तबका निकल के खड़ा हुआ, तो जब वो हमारी लड़ाई हर लड़ाई लड़ सकता है तो चुनाव भी वो लड़ेगा, और हमारा चुनाव वही लड़ेगा। और ये राजनीतिक नैरेटिव वो यूपी और बिहार में लगातार बन रहा है, और इस नैरेटिव को जो संसाधन है, पूंजी है, या आईटी सेल का जो खेल है उसमें वो दब सकता है, लेकिन वो निचले स्तर पर जिस तरह से हम जब भी बात करते हैं तो कांशीराम जी की बात करते हैं, तो कांशीराम जी को भी कौन जानता था जो है, लेकिन जो नैरेटिव बना तो बहुजन राजनीति का वो नैरेटिव बना कि जिसके इर्द गिर्द बड़ा नैरेटिव बनने लगा, इसके बाद जो तमाम चीजें राजनीतिक परिवर्तन हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं अगर बहुत ज्यादा न कहूं, क्योंकि बहुत सारे बात साथियों ने बात रिपीट किया, रिपीटिशन का होगा, कि अगर हमने लड़ा था तो हम चुनाव भी लड़ेंगे, चाहे वो पंचायत चुनाव का मामला होगा, चाहे आने वाले इस दौर में बिहार विधानसभा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव होंगे, और चाहे उसके बाद के 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, और ये नया नैरेटिव बने। अब ये नया नैरेटिव में हो सकती है कि इसमें इसकी क्राइटेरिया क्या होगी, मुझे लगता है इसकी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि ये वो कौन लोग हैं जिन पर जो जेलों में गए, गैंगस्टर गए, एनएसए गए, हमारे बहुत सारे साथियों से बात होती है, अगर गए थे एनएसए गैंगस्टर में गए थे वो लोग, उन लोगों की जो सामाजिक परिवर्तन की, सामाजिक सोशल जस्टिस के लिए गए थे, उनकी राजनीतिक फसल अगर सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ पार्टियां काटें तो ये उसकी राजनीति के साथ उसके क्रांतिकारी जो तेवर है, जो हमारे जो छात्र हमारे जो नौजवान जो शहीद हुए उनका भी अपमान होगा। इसलिए इससे पूरी विरासत की, इसके असली वाहक, इसके असली दावेदार, असली इस विरासत को लड़ने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने इन्होंने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी किया। दूसरा मेरा कहना है कि लोक राजनीति मंच या अजीत भाई ने जो बात कही उसकी ये भूमिका होनी चाहिए कि जो तमाम जो शोषित वंचित लेफ्ट प्रोग्रेसिव और बहुजन संगठन, अल्पसंख्यक मुस्लिम केंद्रित राजनीतिक संगठन, तमाम इस तरह के जो संगठन जो इस आंदोलनों में एकजुट होकर उनके एक ही काल पे हम लोग निकल करके बाहर आ गए, और हम लोग निकल करके बाहर आ गए तो उन राजनीतिक संगठनों का उन सामाजिक संगठनों का चिन्हीकरण, और उनसे इस बात को कहना कि ये इतने लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें आपकी सहमति होनी चाहिए, और इसको आप इन सीटों पे एक सहमति वे में, ये आंदोलन के लोग हैं और ये चुनाव को आंदोलन बना देंगे आपकी बात। क्यों? क्योंकि
हमारे इस चुनाव में 2022 में किसकी हिम्मत है कि एससी एसटी एक्ट की बात करेगा, किसकी बात है कि हिम्मत है कि 13th रोस्टर की बात करेगा, किसकी हिम्मत है कि वो नागरिकता के नाम पर जो एक कम्युनिटी को नागरिकता से खत्म करने की बात है, ये वही बात करेगा जिसमें एक वैचारिक क्लेरिटी होगी और वो वैचारिक क्लेरिटी इन आंदोलनकारियों में होगी। जैसे यूपी में पूर्वांचल में हमारे 15-17 साथी ऐसे अभी तक हम लोगों के बातचीत में संवाद प्रक्रिया में है जो कि 2022 के चुनाव की प्रक्रिया में सोच रहे हैं। दूसरा, ये हमारा ये जो एक टाइमलाइन जिसे मानसी जी ने कहा कि हमको 14 अगस्त से लेकर अगले 14 अगस्त तक क्या टाइमलाइन बनना चाहिए, उसी तरह से एक टाइमलाइन ले करके हमें सितंबर तक तमाम, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ऐसे तमाम जो सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन उनसे उनको बात करके कि वो अपने जो भी चाहे पंचायत चुनाव है चाहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और हम लोग जैसे के लिए बहुत और बड़ा चुनाव हो जाता है, तो उसके लिए हम एक पंचायत चुनाव के पहले ही एक संभावित अपने कौन से वो कैंडिडेट हो सकते हैं उनकी एक लिस्ट जो कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाए, क्योंकि हमारे लिए चुनाव जीतना हारने से ज्यादा बड़ा मकसद है कि हम इस देश में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाए कि हमने मजबूत लड़ाई लड़ी है और हम लड़ेंगे। और इस बात के साथ की भी कि अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर सचमुच में चुनाव में जो हम लोग लड़ रहे हैं, अगर हम लोग चुनाव में जहां से जो आंदोलन के कार्य लोग लड़ रहे हैं, अगर सचमुच आप सेकुलर अपने आप को दल कह रहे हैं, तो आप इन सीटों से अपने इन सीटों से आप अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारेंगे। और अगर ये बात को, क्योंकि इस नैरेटिव को इसलिए सेट करने की जरूरत है कि लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे आंदोलन के लोगों को कि आप मत चुनाव लड़िए, इससे ये हार जाएंगे ये जीत जाएंगे। हमें नैरेटिव ये सेट कर देना करने की बात करनी है कि नहीं, ये लड़ रहे हैं, ये जेन्युइन है, इन्होंने लड़ा था, इन्होंने हर स्तर पर हर कीमत पर खड़े हुए थे समाज के साथ, इसलिए ये चुनाव लड़ेंगे और आप यहाँ से हटिए। ये फांसीवाद ब्राह्मणवाद मनुवाद वाली जो भाजपा है, संघ से संचालित भाजपा है, उसका मुकाबला ये करेंगे। मुझे लगता है कि मैं इस बात को लेकर हमें एक क्लेरिटी बनानी चाहिए और आपस में इस संवाद प्रक्रिया को और भी तेज करना चाहिए। शुक्रिया। राजीव भाई धन्यवाद। अच्छा हुआ कि आपने कुछ चुनावी राजनीति की भी बात की, क्योंकि असल में तो जमीन पे उतरना ही पड़ेगा। हालांकि जो प्रफुल्ल सामंतरा जी ने कहा कि इसका नाम लोक राजनीति इसलिए रखा गया था क्योंकि लोग वोट देने के सिवा और कोई राजनीति, उनकी कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं होती, तो इस मंच की ये कोशिश रहनी चाहिए कि लोग उस राजनीति में शामिल हो सकें जिससे कि इस देश की नीतियां बदल सकें। और उस पर विजया रामचंद्रन जी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि राजीव भाई ने जो आखिरी बात कही कि विचारधारा वाले लोग जब चुनाव में खड़े हों तो उनको अन्य राजनीतिक दलों से कहना चाहिए कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि हम वोट काटेंगे। और इस दिशा में हमने बिहार से जो अगले चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बीपुर भागलपुर से खड़े होने वाले हैं गौतम कुमार प्रीतम, उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल को संदेश भेजा है मनोज झा राज्यसभा सांसद के माध्यम से कि आप एक सीट पे जो विपक्षी गठबंधन है कांग्रेस और राजद का, वो सोशलिस्ट पार्टी को एक जगह पे कम से कम समर्थन दे जहां हमारा सबसे मजबूत साथी लड़ रहा है। तो अब मैं चाहूंगा कि विजया रामचंद्रन जी जो बात कहना चाहती हैं कि देश में जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो जनपक्षीय कैसे रहें, हम इस किस्म की राजनीति कैसे, इस किस्म की राजनीति को कैसे मजबूत कर सकें। विजया दीदी, और विजया दीदी का मैं ठीक से परिचय करा दूं, हम लोग जिंदगी भर कहते रहे कि आप सामाजिक काम करती हैं, आपको राजनीति में भी भागीदारी करनी चाहिए। आपके पिता कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं आर वेंकट रमन साहब, लेकिन विजया दीदी ने कभी हम लोगों की बात नहीं मानी, लेकिन खुशी की बात है कि अब वो इन मुद्दों पर रुचि ले रही हैं। तो विजया दीदी आप अपनी बात रखिए।
Hello. Vijay is asking me to express your opinion. Are you able to hear me? थोड़ा सा और जोर से बोलिए या फिर माइक को अपने पास कर लीजिए. Are you able to hear me now? Yeah. In fact, the comment that I wrote was essentially because maybe we should really change the focus completely. The state level and national level politics should evolve from the local level politics. Unfortunately, we don't have a party politics in any of our local activities. In fact, in some sense, all of our political parties seem to be, in fact, getting their recruits, the members, from national level. They don't really evolve from the local level. And when there is no local level politics, the party politics, then the idea of a national level party politics that draws inspiration from that is also absent. The one that I, in fact, was particularly noticed is that in this Kamala Harris vice president nomination, there is a kind of a thing that they were talking, but what was her role as a district attorney in San Francisco? Now, she has been earlier district attorney in San Francisco and then graduated to a senator, and then she is now waiting for a vice president. Now, everybody thinks what she did as a district attorney is as much important now when she, what she will do in as a... now, what, do we have that kind of a continuity? Does our politicians start from the grassroots and then keep going? I mean, there is a over... I mean, I do know that there is a certain amount of a kind of a nepotism in our politics. But then, basically, our main weakness in the democracy is at the grassroots, we have no politics at all. And if there is no politics at the grassroots, how can it, in fact, generate into a healthy politics at the higher levels? This is my concern. So maybe our Vichar Manch must, in fact, concentrate more on the local level activity everywhere. And 1,000 such local bunch will can actually produce a meaningful national level. Otherwise, you'll be opposing this, opposing that. Nothing really is, whether it is right or left is right, is not a much of a. What is it that I must do for local development? Unless our politicians are rooted at that level and then keep going from there, I think we'll have this kind of a distorted way of having a political discourse. हमारा कहने के मतलब है मोहल्ला पॉलिटिक्स, हाँ, लोगों को कैसे हम जुड़ेंगे अपने साथ, ये बहुत जरूरी है. हम 40 साल से स्किल वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं. हेलो जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए. हाँ बोलिए बोलिए. हाँ, कोई ब्रिकिल साथियों के साथ हम इतने सालों से कर रहे हैं काम, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता है कौन इनका नेता है. अरे हमारे उसमें मोहल्ले में आ जाते हैं और नेता कहता है वोट डालो, फिर वोट डालते हैं हम लोग. तो हमारा कहने का मतलब ये है, कम से कम अभी जो पीढ़ी चली गई है उसको जाने दीजिए, अब आने वाले पीढ़ी को उनको हमको इन्वॉल्व, ये हमको भी नहीं पता है कैसे करेंगे. पहले हमने सोचा एजुकेशन के थ्रू करेंगे, है ना, पर वो भी हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से होगा कि नहीं होगा. ये हमारा हमेशा ये डाउट रहता है हमको, किस तरह से इसको हम लोग लोगों को कैसे जुड़ेंगे. हर एक व्यक्ति को जोड़ना है, हमारे एक मोहल्ला में जितने लोग हैं उनको जोड़ना है, तभी ये बड़े बड़े वो जो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी, ये सब वो लोग करेंगे, बहुत ही करप्ट हो गए सारे पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, ठीक है. पर हमारा कहने का मतलब ये है कि किस तरह से, हमको भी ज्यादा आइडिया नहीं है इसमें, हम लोग सब मिलकर इसके ऊपर विचार करें तो अच्छा रहे.
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विजय दीदी। कुल मिला के प्रोफेसर रामचंद्रन जो चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका और विजय दीदी दोनों का ये कहना है कि राजनीति ऊपर के स्तर से तय होने के बजाय जमीनी स्तर से तय होनी चाहिए, और जमीन से उठ के लोग अगर ऊपर की राजनीति में जाएंगे तो वो ज्यादा ठोस राजनीति होगी, ज्यादा जनपक्षीय राजनीति होगी। अब मैं चाहूंगा कि जो बाकी साथी जुड़े हुए हैं, जिसमें महेश भाई हैं, के एम यादव हैं, और अभियांशु सिंह हैं, बिहार से छात्र हैं, आज पहली बार हम लोग के साथ जुड़े हैं, इन साथियों में से जो भी बोलना चाहे आप अपना माइक ऑन करके आप अपनी बात रखिए। दिलीप भाई जुड़े थे लेकिन चले गए पूना से। हेलो सर। हाँ अभियांशु। हाँ, तो आप लोगों को मेरा प्रणाम। मैं तो कभी पब्लिक स्पीकिंग में नहीं आया हूँ, इसलिए उतना ज्यादा क्लियर कुछ बोल नहीं सकता, बस अपने आइडियाज रख सकता हूँ, और बहुत सारे शब्द तो मैं नहीं समझता अभी, जब मैंने क्लास 12th अभी पास ही किया है, जैसे फासिज्म वगैरह, क्योंकि मतलब SST तो 10th ही तक पढ़ा तो उतना वो सब भूल चुका, और SST 9th-10th में तो वर्ल्ड हिस्ट्री थी तो उतना शब्द सब भूल चुका हूँ मैं। तो जैसे कि मैं सोचता हूँ कि शायद लोगों में वो एक कंसनेस नहीं है चीजों के बारे में, वो बहुत सारे शब्द, जैसे मैं हूँ वो भी मेरी तरह बहुत सारे शब्द समझते ही नहीं है कि शायद ये प्रॉब्लम हो रही है हमारी सोसाइटी में, शायद ये प्रॉब्लम हो रही है, और ये क्या है, ये कैसे चीजें हैं, वो बस ऐसा देखते हैं कि जैसे उनके अगल बगल जो बातें चल रही होती है, जैसे अगर कोई हिंदू है तो जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मेरे घर में है अभी गार्जियंस, तो मैं देखता हूँ कि वो सोचते हैं अरे मतलब जैसे वो अधिकतर टाइम देखेंगे मतलब भक्ति चैनल्स वगैरह, तो देखते हैं कि जैसे चलो राम मंदिर बन गया, राम भगवान इतने महान थे तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो गया, तो हम इसलिए मोदी बहुत अच्छा इंसान, ऐसे ऐसे उनका मैनिपुलेशन होता है। तो शायद वो मतलब बहुत चीजें तो वो जानती ही नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब बहुत चीजें उनके पास उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, और एक जैसे मैं बचपन से ही जब देखता था कास्ट सिस्टम के बारे में, क्यों नहीं ये एबोलिश होती, मैं सोचता था, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं ये कास्ट सिस्टम एबोलिश होती है, क्योंकि शायद हर इंसान की ये मंशा होती है कि वो अपने आप को बेहतर दिखाए, हर इंसान चाहता है कि मतलब अंदर से वो मेंटेलिटी नेचर होती है, चाहे वो मॉरल साइंस पढ़ के थोड़ा वो कम हो जाए कुछ भी, लेकिन बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी ये मतलब मनसा होती है कि हम किसी तरह अपने आप को बेहतर साबित कर सके, शायद वो एक सोशल प्रॉब्लम या सोशल ऐसी व्यवस्था है कि लोग ऐसे सोचते हैं, तो लोग इसलिए ऐसा सोचते हैं कि मतलब इस मतलब लोग इसी सोच के कारण यही इसलिए कास्ट सिस्टम होती है, और इसलिए ये अबोलिश नहीं होती है क्योंकि ये बचपन से ही मतलब उन लोगों को बताया जाता है कि तुम ऐसे हो ऐसे हो, तुमको तुम इससे आगे हो इससे पीछे हो वगैरह वगैरह, तो शायद जो नीचे उनके मन में तो अधिकतर जैसे कि अधिकतर के मन में निगेटिविटी आ जाती है, और कुछ जो ऊपर होते हैं और पॉजिटिविटी आ जाती है, और ये डिफरेंस जो है वो बढ़ता चला जाता है, तो जैसे पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, तो और इसीलिए हमें जो भी अगर कोई कदम या बदलाव लाना है तो हमें एकदम नीचे स्तर से लाना होगा, जैसे हम अगर कास्ट सिस्टम अगर खत्म करना है तो हमें बच्चों को मतलब वो चीज उनके आगे वो टॉपिक लाना ही नहीं चाहिए कि तुम किस कास्ट में थे, तुम्हें क्या वगैरह था, उस चीज से उनको लेना ही देना नहीं होना चाहिए, हम उनके सामने ये लाए ही ना, और अगर लाए तो कुछ अच्छा चीज लाए और बचपन से लाए, ये मैं चाहता हूँ कि बचपन से ही उनको सब कुछ मतलब बचपन से ही, जैसे हम बस मैथ पढ़ते वगैरह जानते, इक्वेशन जानते वगैरह कर लेते साइंस वगैरह, लेकिन बचपन से उनको ये भी पता होना चाहिए कि एक ऐसा माध्यम होना चाहिए कि उनको पता चले कि ये सब भी टॉपिक्स होती हैं, लाइक जिससे पूरा सोसाइटी हमारा चेंज होता है, और सोसाइटी जब चेंज होता है और सोसाइटी का जब रहन सहन चेंज होता है तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारी
मतलब हम कैसे पढ़ते हम कैसे जीते कैसे खाते सब कुछ बदल सकता है अगर अगर हम मतलब सब कुछ एक नीचे से सुधार सके। तो मेरा कहना है कि हम इसके लिए सबसे जो मैं अगर सोचता हूँ टेक्नोलॉजी एक इसका सोल्यूशन हो सकता है शायद। तो शायद दो तीन रास्ते हैं जिससे मतलब सोल्यूशन मिल सकता है। पहला तो रास्ता है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके जैसे आप लोग बोल रहे थे कि जिससे अवेयरनेस लोगों में पहुंचे और लोग अपनी बात रख सके। तो मैं इसके लिए एक मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ सर। मैंने कुछ मतलब मैं सोचते रहता हूँ तो मैं कुछ कुछ लिखता भी हूँ पढ़ाई के अलावा। ठीक है आज आज हमें लगता है कि थोड़ा समय अब ज्यादा हो रहा है तो बहुत बस 10 मिनट 5 मिनट हाँ संक्षेप में थोड़ा सा बात रख दें। हाँ बस 5 मिनट और बल्कि आप ऐसा कीजिए कि आपके जो विचार हैं उसको हाँ, अगर आप लिख दें लिख के अगर आप हम लोगों को ईमेल पे भेज दीजिए तो हम लोग उसको पढ़ लें और उसके बाद फिर उस पर चर्चा हो। लेकिन अगर आप अभी कुछ 2-3 मिनट लेना चाहें तो आप अपनी बात करें। हाँ बस एक चीज हाँ जैसे एक सॉल्यूशन में दिखाना चाहता हूँ जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। होस्ट डिसेबल्ड स्क्रीन शेयर तो नहीं हो सकता तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। तो जैसे कि हाँ जैसे कि हम एक जैसे इंडिपेंडेंट दो सॉल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देना चाहता हूँ। पहला तो है कि हमें ऐसे स्टार्टअप्स बनाने चाहिए जिसमें मतलब एक पूरा परसेंटेज हो कि मतलब हम उसको एजुकेशन में जोड़ सके। जैसे उन पर मतलब ऐसे मोटिवेटेड स्टार्टअप करने चाहिए जो मोटिवेटेड जो गरीब लोग हैं जो अच्छे कर चुके हैं जो अच्छे पढ़ चुके हैं वो लोग ऐसे स्टार्टअप करें और उसमें जैसे 20-30% वो एकदम मतलब जरूरी वो फंड करे कोई यूनिवर्सिटी या कोई मतलब जो फ्री जो मतलब सबके लिए काम करे जैसे जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम करे और वो इस तरह से काम करे कि वो शुरू से अंत तक उनको फ्री एजुकेशन दे जो कि फंडिंग हो गया स्टार्टअप से जो उन्होंने कंपनी स्टार्ट की है और वो जो और जब वो पढ़ ले तो उनके अगर जॉब से की दो ही चीज चाहिए एक तो एजुकेशन और वो खाने पीने के लिए उनको नौकरी। तो जो गरीब लोग जब एक एजुकेशन प्राप्त कर ले उस माध्यम से फ्री में तो उनको उसी स्टार्टअप में उनको जॉब मिल जाए और वो पढ़े लिखे भी होंगे तो उसमें वो मदद भी करेंगे जो स्टार्टअप होगा वो यूनिवर्सिटी वगैरह। तो इससे ये प्रॉब्लम है कि हम पुअर जो फैमिली बैकग्राउंड का उसको एक मिडल बैकग्राउंड तक ला सकते हैं इस तरीके से और फ्री में जब एक ऐसे मोटिवेटेड स्टार्टअप्स होंगे। और दूसरा है कि हमें एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें मतलब सभी इंटेलेक्चुअल्स काम करें मतलब सभी इंटेलेक्चुअल्स का जो पढ़े लिखे और उस पढ़े लिखे और उस सोशल प्लेटफॉर्म का क्या मतलब फीचर्स हो वो मैं बताना चाहता हूँ। बस ये लास्ट है मेरा सजेशन आज के लिए। तो उसमें जैसे कि हर चीज का जैसे एक ग्रुप बना हो रहेगा जैसे मैथमेटिशियंस का फिजिक्स का पॉलिटिशियंस का इस प्रकार से ग्रुप बना हुआ रहेगा और उसमें एक जैसे डिबेट होता है वैसे डिबेट हो उसके लिए एक फोरम बना हुआ रहेगा कि जैसे ही मतलब कोई किसी ने कोई अपना आइडिया रखा उसी पर वो जो प्लेटफॉर्म होगा सोशल और उस पर अपना आप डिबेट चालू कर दे गुड बायस्ड जैसा भी हो अच्छा बुरा सब जैसा भी हो और उसमें सजेशंस वगैरह मतलब इंटेलेक्चुअल्स के लिए हो और उसमें मतलब इंटेलेक्चुअल्स ही सर हर मुद्दे पर काम करे और हर प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स। बस इतना है। ठीक है मैं बाकी लोगों को बता दूं कि अभियांशु कैसे जुड़े हम लोगों के साथ। कल मेरा एक इंटरव्यू आज तक वालों ने लिया था ये जो नीट और जेई की परीक्षाएं स्थगित करने की बात हो रही है और छात्रों की मांग है कि परीक्षा को स्थगित किया जाए क्योंकि इसमें करीब 25 लाख छात्र बैठने वाले हैं और छात्रों और उनके माता पिता को डर है कि इससे कोरोना फैलने का खतरा है लेकिन सरकार इस बात को नहीं मान रही है। तो हम लोगों को भी ये भूमिका मुझे लगता है लेनी चाहिए कि इन इम्तिहानों को स्थगित किया जाए और बल्कि मैंने तो एक कल लेख लिखा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा कि बिना परीक्षा लिए कैसे चयन किया जाए। उदाहरण के लिए देश में 15 लाख इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीटें हैं और करीब 15 लाख ही अभ्यर्थी हैं जो इन परीक्षाओं में बैठते हैं। तो मैंने सुझाव दिया था कि आप सबको कहीं ना कहीं आप दाखिला दे दीजिए और जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे उसको पढ़ने का मौका दीजिए।
ये संभव है। तो खैर हम आज की बात अब समाप्त करेंगे क्योंकि 6 बजने वाला है, एक घंटा ज्यादा हमारी मीटिंग चली, हालांकि देर से शुरू हुई थी। तो एक जैसा मैंने पहले कहा कि अगली बार मिलने के पहले हम लोग थोड़ा सा काम कर लेंगे, वो हम ईमेल पे फोन पे बात कर लेंगे। एक तो मुझे लगता है कि एक दस्तावेज बनना चाहिए जो लोक राजनीति मंच की पूरी विचारधारा को विस्तार के साथ रख सके, ताकि कोई अगर जुड़ना चाहे इसके साथ तो वो जुड़ सके। और दूसरा दस्तावेज कि ये कैसे काम करेगा। ये जो अजीत भाई ने कहा कि पूरी लोकतांत्रिक असहमति रखने की गुंजाइश के साथ, और एक ऐसा ढांचा जिसमें जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो, इसमें कोई वरीयता क्रम ना हो, सबको पूरा अधिकार हो, जैसे आज हमने हमारे वरिष्ठ साथियों ने भी बोला और एकदम नए साथी अभियांशु आए, उनको भी बोलने का मौका मिला। तो अब ज्यादा जब लोग हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, ये सब बातें हम लोगों को सोचनी पड़ेंगी। आज तो कम ही लोग थे, और फिर हमें लगता है कि हम लोग कोशिश करें कि 15-20 दिन या महीने में कम से कम एक बार मिल लें, और इस बीच में हम ईमेल पे फोन पे बातचीत करते रहें, शेयर करते रहें चीजों को। और फिलहाल हम इसके लिए अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना रहे हैं जब तक इसका ठोस रूप तय नहीं हो जाता है, लेकिन मैंने ये किया है कि आप सभी साथियों को सोशलिस्ट पार्टी के गूगल ग्रुप में शामिल करवा लिया है, तो उसके माध्यम से आपको सारे मैसेज मिलते रहेंगे। और जब वो वक्त आएगा कि हमको लगता है कि इसको अब एक स्वतंत्र रूप से चलाने की का समय आ गया है, तब हम इसका स्वतंत्र ढांचा भी खड़ा करना शुरू कर देंगे। इसका अपना अलग गूगल ग्रुप हो जाएगा, और अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आजकल के जो तरीके हैं वो सब बन जाएंगे। तो या व्हाट्सएप ग्रुप चाहे तो उसको बनाया भी जा सकता है अभी, अगर कोई साथी पहल लेना चाहे तो। मैं चाहूँगा कि खास करके प्रफुल्ल सामंतरा जी जो 2004 से जुड़े हुए हैं, खजूरिया जी जो उसके बाद कहीं जुड़े थे प्रक्रिया में, और नए साथियों में अजीत सिंह यादव जी, मानसी बाल भार्गव बहन और राजीव यादव जो जो चुनावी राजनीति के पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ रख रहे हैं कि उसको भी हमें कम महत्व नहीं देना है, क्योंकि असल में तो बदलाव उनके माध्यम से ही आना है। मतलब एक तो ये है कि जैसे प्रफुल्ल भाई कह रहे हैं कि जनता की शक्ति से हम बदलाव लाएं, लेकिन कई बार वो कम पड़ जाती है, कई बार उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए जो इन बातों को संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर रख सके। जैसे आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुलकर यहाँ की सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे भी हो गए हैं, अभी मैं उनसे मिल के आया आज सुबह। तो ऐसे भी साथियों की जरूरत है जो अंदर से भी आवाज को उठा सके। तो राजीव भाई ने वो बात रखी, तो हम इन सब बातों को और थोड़ा ठोस रूप देते हुए, और हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। तो आपका अजीत भाई और कुछ बात बोलनी हो तो आप बोलिए, इसको कंक्लूड करने का। नहीं ठीक है संदीप भाई, आपने अच्छा कंक्लूड किया है। एक बेस पेपर तैयार हो जाए, आप खुद या जिसको आप जिम्मेवारी देना चाहें, और उस पर सबकी राय ले ली जाए। नहीं वो पेपर हम सब लोग मिल के तैयार करेंगे। हाँ, कोई करे। अभी एक हम लोगों ने एक पीपल्स मैनिफेस्टो फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ये सोशल जस्टिस लिखा है, जिसमें कई लोगों की भागीदारी थी, वो मैं सर्कुलेट करता हूँ, और उसी को आधार बना के उसमें जो भी जोड़ना घटाना है हमको लगता है उसको करके हम एक बढ़िया पेपर तैयार कर सकते हैं, और उसमें सबकी भागीदारी रहे, मतलब कोई एक दो व्यक्ति ना करे, तो वो एक अच्छा दस्तावेज बन जाएगा। और आप जो कह रहे थे अजीत भाई, वो आप ही तैयार कीजिए, जो इसमें इसके काम करने का तरीका होगा, जो ढांचा होगा वो आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ 2-4 दिन में। जी जी
ठीक है तो और कोई साथी अगर कोई और बात रखना चाहे तो रखें और फिर हम संदीप लाइन बोलना चाहेंगे। जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ राजीव यादव जी, अपना माइक थोड़ा पास लाइए। जी मैं राजीव यादव जी से सहमत हूँ और मैंने एक्चुअली जो विचार रखा था वो उसी एंगल से रखा था कि जो लोकल लेवल पे काम करते हैं उनको हम कैसे डिस्टेंटली हम मतलब रिमोटली डिस्टेंटली कैसे सपोर्ट कर सके, तो उसी रास्ते पे ही चलने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ से हर हर स्टेट में जो लोकल किसी तरह की लीडरशिप हो उसको हम सपोर्ट कर सके। दूसरी बात मैं अभियांशु से ये कहना चाहती हूँ कि आपने पहली बार बोलने के हिसाब से भी अच्छा बोला, पर इस ग्रुप में डेफिनेटली और हमें युवाओं की जरूरत है। अगर कहीं इसको ग्रुप को आगे ले जाना है तो आप भी अपने दोस्तों से युवा नेता ढूंढिए, दूसरे स्टेट्स में से लाइए, तो जो भी है, क्योंकि युवाओं के बगैर नए आइडियाज नहीं आएंगे और वो बहुत जरूरी है क्योंकि आगे देश उन्हीं को चलाना है, तो ये बहुत जरूरी बात है। महिलाएं और युवाएं आना ही पड़ेगा अगर कोई प्लेटफॉर्म हमको लंबा रन करना है तो। ठीक है ठीक है ठीक है साथियों, फिर हम ये मीटिंग समाप्त करेंगे और बॉबी जी अब जो है इसको बंद कर सकते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, जो बाद में सुनना चाहेंगे वो, जैसे ओम भाई थोड़ा देर से आए तो वो उनके लिए रिकॉर्डिंग जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों का, धन्यवाद।